यहाँ पर हम देखते हैं एमआर चार्जिंग सिस्टम, यानी एमआर को किस तरीके से चार्ज किया जाता है। एमआर चार्जिंग सिस्टम, किस तरीके से एमआर को चार्ज किया जाएगा, तो हम देखें यहाँ पर WAG5 लोको में एमआर चार्ज करने के लिए यहाँ पर तीन कंप्रेसर लगे हुए हैं, CP1, CP2 एंड CP3। कंप्रेसर के चलने पर वातावरण की हवा एयर मेज ऑयल वाथ फिल्टर से साफ होकर के, तो यहाँ पर जैसे ही हम कंप्रेसर चलाते हैं तो कंप्रेसर से चलने पर वातावरण की जो हवा है एयर मेज ऑयल वाथ फिल्टर से साफ होती है। किससे साफ होती है? एयर मेज ऑयल वाथ फिल्टर, ऑयल वाथ फिल्टर मतलब ऑयल को सोख लेता है, ऑयल वाथ फिल्टर, ऑयल वाथ फिल्टर, इससे वातावरण की हवा है वो साफ हो जाती है और साफ होकर के हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड होकर के, हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड होती है और हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड होकर के ये जाती है NRV में। जैसे यहाँ पर NRV है, यहाँ पर NRV है, तो यहाँ पर NRV है, तो यहाँ पर जाती है, तो हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड होकर के NRV के द्वारा एक कॉमन पाइप में जा कर के, अब NRV के द्वारा एक कॉमन पाइप है आगे, तो इस कॉमन पाइप में जाएगी, तीनों का कॉमन पाइप में जा करके आफ्टर कूलर, कूलिंग के बाद में आफ्टर कूलर ये कहाँ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर कूलिंग लगाया गया है, तो आफ्टर कूलर 1, 2, 3 में ठंडी होकर के, तो आफ्टर कूलर यहाँ पर 1, 2, 3 है, आफ्टर कूलर 1, 2, 3 इनमें ठंडी होकर के MR यहाँ पर आफ्टर कूलर में 1, 2, 3 ठंडी होकर के, जैसे ये AC लगी हुई है, ये AC लगी हुई है, तो आफ्टर कूलर 1, 2, 3 में ठंडी होकर के ये कहाँ पर जाती है, MR1 में जाती है, फिर MR2 में जाती है, इसी तरीके से MR3 में जाती है और MR4 में जाती है, इस तरीके से ये हवा जाती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि प्रत्येक MCP की सुरक्षा के लिए, यानी जो कंप्रेसर है प्रत्येक MP की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है। प्रत्येक MCP की सुरक्षा के लिए सेफ्टी वॉल्व किस तरीके से लगा हुआ है, जैसे हम देखें प्रत्येक MCP की सुरक्षा के लिए, जैसे यहाँ पर MCP वॉल्व लगा हुआ है और प्रत्येक MCP की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है। जैसे हम देखें यहाँ पर भी सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ पर सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ भी सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है। जिनकी सेटिंग है, जो MCP की सुरक्षा के लिए सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है उसकी सेटिंग होती है 11.5 kg/cm². संपूर्ण एयर सिस्टम और MR की सुरक्षा के लिए, पूरा जो एयर सिस्टम है, संपूर्ण एयर सिस्टम तथा MR की सुरक्षा के लिए, ये MR की सुरक्षा है, यहाँ पर MR3, MR4, MR की सुरक्षा के लिए क्या लगाया गया है, MR2 के बाद में एक सेफ्टी बल्ब लगाया गया है, तो यहाँ पर एक सेफ्टी बल्ब लगाया गया है। ये पूरा संपूर्ण एयर सिस्टम तथा MR की सुरक्षा के लिए MR2 के बाद में, या MR2 की सुरक्षा के, एयर सिस्टम तथा MR की सुरक्षा के लिए MR2 के बाद में एक सेफ्टी बल्ब लगाया गया है, और इस सेफ्टी बल्ब की, MR2 के बाद में जो सेफ्टी बल्ब लगाया गया है, इस सेफ्टी बल्ब की जो सेटिंग है वो है 10.5 kg/cm², इस बल्ब की सेटिंग है। MR1 और 2 के साथ दो ऑटो ब्लो डाउन वॉल्व कटआउट कॉक के साथ लगाए गए हैं, तो MR1 के साथ में भी लगाए गए हैं और MR1 और 2 के साथ में, MR2 के साथ में भी लगाए गए हैं। दो क्या लगाए गए हैं, यहाँ पर भी कटा एक लगाया गया है और एक यहाँ पर भी लगाया गया है। ये क्या है, ये दो ऑटो ब्लो डाउन बल्ब हैं, ये क्या है, दो ऑटो ब्लो डाउन बल्ब कटआउट कॉक के साथ में लगाए गए हैं। तो ये बल्ब किसके साथ में लगाए गए हैं, ये दो ब्लो डाउन बल्ब, जैसे ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये ब्लो डाउन बल्ब है, कटआउट कॉक के साथ में लगाए गए हैं, कटआउट कॉक के साथ ये यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये बल्ब कट इन और कटआउट के समय ब्लो होते हैं, यानी कट इन के समय ब्लो होते हैं बल्ब और कटआउट के समय भी ये ब्लो होते हैं। AVD बल्ब के डिफेक्टिव होने पर, अगर ये AVD बल्ब है, ये मान लीजिए डिफेक्टिव हो जाता है, तो AVD बल्ब के डिफेक्टिव होने पर उन्हें कटआउट कॉक के द्वारा आइसोलेट किया जाता है। जैसे ही AVD बल्ब डिफेक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कटआउट कॉक लगी हुई है, यहाँ पर भी कटआउट कॉक लगी हुई है, इसके द्वारा इसको आइसोलेट किया जाएगा। आगे हम देखें कि क्या होता है, MR1 के पहले, यहाँ पर देखते हैं,
और MR4 के बाद में मतलब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दो CDC ट्रेन कॉक के साथ लगाए गए हैं। तो ये CDC है जो कि यहाँ पर नीचे ट्रेन कॉक लगी गई है, तो यहाँ पर भी CDC है जो कि ट्रेन कॉक के साथ में लगाए गए हैं। तो MR1 से पहले और MR4 के बाद में दो CDC ड्रेन कॉक के साथ में लगाए गए हैं प्रत्येक MR, जैसे यहाँ पर देखें प्रत्येक MR1, MR2, MR3 एंड MR4, और आफ्टर कूलर और विभिन्न आवश्यक पाइपों पर भी ड्रेन कॉक लगाए गए हैं। जैसे प्रत्येक MR के पहले ड्रेन कॉक लगाए गए हैं, MR2 के बाद में कॉक लगाया गया है, MR3 के बाद में यहाँ पर हम देखें कॉक लगाया गया है, MR4 के बाद में कॉक लगाया गया है। तो प्रत्येक MR, आफ्टर कूलर तथा विभिन्न आवश्यक जो पाइपों पर भी यहाँ पर ड्रेन कॉक लगाए गए हैं, जिन्हें हॉल्ट पर अथवा समय समय पर ड्रेन करना अति आवश्यक है, यानी उन्हें कुछ समय समय पर उनको ड्रेन करना आवश्यक है। जो भी यहाँ पर कॉक लगाए गए हैं उनके द्वारा उनको ड्रेन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक MR, आफ्टर कूलर तथा विभिन्न आवश्यक पाइपों पर भी ड्रेन कॉक लगाए गए हैं, जिन्हें हॉल्ट पर अथवा समय समय पर ड्रेन करना अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं MR सिस्टम का उपयोग क्या है, किस लिए इस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग में हम बात करें, MR1 की हवा है वो कहाँ जाती है, MR2 को जा रही है। तो ये हम देख सकते हैं MR1 की हवा MR2 को जा रही है। MR2 की हवा कहाँ कहाँ जा रही है, MR2 की हवा कहाँ जा रही है, एक तो MR3 को जा रही है, MR2 की हवा NIRB के द्वारा, NIRB और कॉक के द्वारा। MR2 की हवा है हमारी, वो किसको जा रही है, एक MR2 की हवा हमारी DCV के बाद में, किसके बाद में, DCV, MR2 की हवा DCV के बाद में सेंडर्स, वाइपर और 6 kg/cm² के फीड वाल्व के द्वारा, MR की हवा 6 kg/cm² से नियंत्रित होकर के फीड पाइप को भी जा रही है। तो MR की हवा है यहाँ पर, ये किसको जा रही है, फीड पाइप को भी जा रही है। जैसे यहाँ पर हम देखें MR की हवा यहाँ से गई, इधर आई और DCV के बाद में किसको जा रही है, DCV के बाद में ये यहाँ पर सेंडर्स एंड वाइपर्स, DCV के बाद सेंडर्स, वाइपर तथा 6 kg/cm² के फीड वाल्व के द्वारा, और इधर 6 kg/cm² का जो फीड वाल्व है, इस फीड वाल्व के द्वारा, 6 kg/cm² के फीड वाल्व के द्वारा ये हवा है, MR की हवा 6 kg/cm² से नियंत्रित होकर के फीड पाइप को जाती है। तो ये 6 kg/cm² से नियंत्रित होकर के फीड पाइप को भी जा रही है MR2 की हवा। तीसरा हम देखें RGCP, जैसे यहाँ पर हम देखें RGCP तथा VED बल्ब को भी जा रही है, यहाँ पर VED बल्ब को भी जा रही है, और इधर हम देखें ये RGCP, ये क्या है, RGCP, इसको भी जा रही है MR की हवा स्टेनर के थ्रू, RGCP को दर्ज जा रही है MR2 की हवा, और MR इक्वलाइजिंग पाइप को भी जा रही है, किसको जा रही है, MR इक्वलाइजिंग पाइप, जैसे यहाँ पर लगाया गया है ये MR इक्वलाइजिंग पाइप, इसको भी MR2 की हवा जा रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि MR2 की हवा कहाँ कहाँ जा रही है। अब हम देखें कि MR3 की हवा कहाँ कहाँ जा रही है, किसकी हवा, MR3 की हवा कहाँ कहाँ पर जा रही है, कौन कौन से स्थानों पर MR3 की हवा जाती है। तो MR3 की हवा है, पहली तो MR3 की हवा है वो कंट्रोल रिजर्वायर में जाती है। कंट्रोल रिजर्वायर मतलब यहाँ से हम देखें MR3 की हवा कंट्रोल रिजर्वायर को जा रही है, और यहाँ से ये हवा कहाँ जा रही है, कंट्रोल रिजर्वायर के बाद में, जहाँ से ये BA पैनल को जा रही है MR3 की हवा, SMGR को जा रही है, BA पैनल और SMGR को भी यहाँ पर जा रही है, SMGR यानी ग्रेजुएटर को भी जा रही है SMGR, तथा R1 कॉक खुला रहने पर, ये R1 कॉक अगर ओपन है तो R1 कॉक खुला रहने पर NRB के द्वारा, R1 कॉक खुला है तो NRB के द्वारा ये क्या जाएगी, डीजे और पेंटो के लिए भी जा रही है, NRB के द्वारा डीजे और पेंटो को भी जा रही है ऊपर। साथ ही RAL को खुला रहने पर, मान लीजिए साथ ही हम कह सकते हैं कि RAL को खुला है, मान लो कौन सा कॉक, RAL को खुला है, तो इमरजेंसी रिजर्वायर को भी जाती है। तो अगर RAL को खुला है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है RAL को, अगर RAL को खुला हुआ है तो ये
इमरजेंसी रिजर्वायर को भी ये हवा जाती है। तो यहाँ पर एक कॉक होगा जिसे आरएल कॉक कहेंगे इस पॉइंट पर। फिर हम देखें MR3 की हवा, MR3 की जो हवा है यहाँ पर, MR3 की हवा एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब के द्वारा, एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब के द्वारा, ये AFM है, एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब के द्वारा एडिशनल C2 रिले बल्ब को जाती है, जिससे ब्रेक पाइप चार्ज किया जाता है। और इसी से हम ब्रेक पाइप को चार्ज करते हैं, एडिशनल C2 रिले बल्ब से ब्रेक पाइप को चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर जो AFM है, AFM क्या है, AFM है हमारा, हम बात करें तो AFM है एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब, एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब, मेजरिंग बल्ब। अब आगे चलते हैं, MR4 की हवा के बारे में बात करते हैं, MR4 की हवा कहाँ कहाँ जा रही है। जैसे ये MR4 है, MR4 की हवा है, MR के बाद में एक कटआउट कॉक लगाया गया है, तो MR के बाद में यहाँ पर एक कटआउट कॉक लगाया गया है। यह कटआउट कॉक खुला रहने पर, अगर ये कटआउट कॉक MR के बाद में खुला है, ओपन है, तो MR के बाद में जो कटआउट कॉक खुला हुआ है वह खुला रहने पर MR4 की हवा है वो कहाँ जाती है, A9 SA9, MU2B CT रिले, MU2B को जाती है, A9 SA9 MU2B CT C2 रिले बल्ब को जाती है। यह C2 रिले बल्ब को जाती है ये, और C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब को जाती है, इसको जा रही है C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब को भी हवा जा रही है। दोनों कैब में लगे गेज तथा हॉर्न आदि को जाती है, दोनों कैब में जो लगे हुए हैं गेज लगे हुए हैं, हॉर्न लगे हुए हैं, इनको भी MR4 की हवा जाती है। अब बात करते हैं कंप्रेस्ड अनलोडर वाल्व। कंप्रेस्ड अनलोडर वाल्व क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। कंप्रेसर अनलोडर वाल्व ये क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात करें, कंप्रेसर अनलोडर वाल्व, कंप्रेसर स्टार्ट होते समय उसके डिलीवरी पाइप में हमेशा शून्य प्रेशर होना चाहिए। जब भी हम कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्रेसर को स्टार्ट करते समय उसका जो डिलीवरी पाइप है उस डिलीवरी पाइप में हमेशा शून्य प्रेशर होना चाहिए, अन्यथा कंप्रेसर पर बैक प्रेशर आने से कंप्रेसर जल सकता है। इसलिए कंप्रेसर स्टार्ट होने के पूर्व उसकी डिलीवरी पाइप का प्रेशर शून्य करने हेतु उसी पाइप पर एक NC7 कंप्रेसर अनलोडर बल्ब लगाया गया है। इसका स्थान कहाँ है NC7 का, तो NC7 के स्थान की बात करें, ये कैप बन के पीछे तीनों कंप्रेसर के डिलीवरी पाइप पर लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है, कैप वन के पीछे जो तीनों कंप्रेसर हैं हमारे, इनके डिलीवरी पाइप पर ये लगा हुआ है। किस पर लगा हुआ है, डिलीवरी पाइप। तो इनके तीनों के, कैप वन के पीछे तीनों कंप्रेसर के डिलीवरी पाइप पर लगा है, तथा प्रत्येक बल्ब को एक एक कॉक लगा हुआ है। प्रत्येक बल्ब में हम देखें एक एक कॉक लगा हुआ है, ये प्रत्येक बल्ब में एक एक कॉक यहाँ पर लगा हुआ है जो सामान्यतः खुला रहता है। नेक्स्ट हम देखें कि सभी चालक और सहचालक ध्यान रखें कि कंप्रेसर बंद होते समय तथा स्टार्ट होने के 5 सेकंड तक इस बल्ब से प्रेशर का एग्जॉस्ट होना सामान्य बात है। इसके लिए क्या लगा हुआ है, रिले Q119 लगा हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सभी जो ALP हैं, जो ALP हैं, वो ध्यान रखें कि कंप्रेसर बंद होते समय या कंप्रेसर को स्टार्ट होने के 5 सेकंड तक इस वाल्व से, कौन से वाल्व से, NC7 वाल्व से, इस वाल्व से प्रेशर का एग्जॉस्ट होना यानी कि बाहर निकलना सामान्य बात है, और इसी के लिए हमने लगाया गया है रिले Q119। अब इसके सामान्य दोष क्या क्या हैं, सामान्य दोष यानी इसमें परेशानी क्या है। यदि इस बल्ब से लगातार प्रेशर एग्जॉस्ट होता है यानी 5 सेकंड से ज़्यादा भी एग्जॉस्ट होता रहता है, यदि इस बल्ब से लगातार प्रेशर एग्जॉस्ट हो रहा है
तो ऐसे समय उस बल्ब के कॉक को हमें क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और संबंधित कंप्रेसर को हमें चालू नहीं करना चाहिए। यदि इस कंप्रेसर को चलाना जरूरी हो तो उसे चला करके सेक्शन क्लियर करके हमें टीएलसी को सूचित कर देना चाहिए, और टीएलसी से उचित आदेश प्राप्त करें और लॉग बुक में उसका रिमार्क हम लिखेंगे। तो हाँ, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि सभी चालक और सह चालक चार्ज लेते समय यह सुनिश्चित करें कि तीनों अनलोडर बल्ब का कॉक क्या मिलना चाहिए, तीनों अनलोडर कॉक का बल्ब बंद मिलता है, तो टीएलसी को सूचित करके उसके आदेश अनुसार कार्य करें और लॉग बुक में रिमार्क दर्ज करें। फिर हमें देखना है कि अंडर ट्रक में लगे न्यूमेटिक बल्ब एवं कॉक की पोजीशन क्या क्या है। अंडर ट्रक में लगे न्यूमेटिक बल्ब एवं कॉक की पोजीशन, जैसे ऑक्जिलरी सप्लाई ड्रेन कॉक, क्या है ऑक्जिलरी सप्लाई ड्रेन कॉक, ये कहाँ पर लगा हुआ है, हम देख रहे हैं कॉरिडोर नंबर 1 के नीचे, किसके नीचे, कॉरिडोर नंबर 1 के नीचे ये कहाँ पर लगा हुआ है, कौन सा ऑक्जिलरी सप्लाई ड्रेन कॉक, ये लोको पायलट के फुट स्टेप के पास में लगा हुआ है, लोको पायलट के फुट स्टेप के पास में। फिर हम देखते हैं एमसीपी सेफ्टी वॉल्व कहाँ पर लगा हुआ है, एमसीपी सेफ्टी वॉल्व, तो एमसीपी सेफ्टी वॉल्व है ये लगा हुआ है व्हील नंबर 5 के पास में। फिर सीआर ड्रेन कॉक है हमारा, सीआर ड्रेन कॉक और CDC 1, CDC 1 और डीजे ऑयल सेपरेटर, कौन सा डीजे ऑयल सेपरेटर, ये कहाँ पर लगे हुए हैं, सीआर ड्रेन कॉक, CDC 1 और डीजे ऑयल सेपरेटर, ये MR 1 के, जो सीआर ड्रेन कॉक है, सीआर ड्रेन कॉक है ये MR 1 के पास में लगा हुआ है, के पास में CDC 1 है, CDC 1 MR 1 के पहले लगा हुआ है, और डीजे ऑयल सेपरेटर है ये MR के पास में ही लगा हुआ है। फिर हम बात करते हैं ऑटो ड्रेन बल्ब, कौन सा बल्ब है ऑटो ड्रेन वॉल्व, ये कहाँ पर लगा हुआ है, तो ऑटो ड्रेन वॉल्व है ये MR 1 तथा MR 2 के बीच में लगा हुआ है, इसके बीच में MR 1 तथा MR 2 के बीच में लगा हुआ है ऑटो ड्रेन वॉल्व है। इसी तरीके से पेंटो सिस्टम ड्रेन कॉक है, पेंटो सिस्टम ड्रेन कॉक, ये पेंटो सिस्टम ड्रेन कॉक है ये भी हमारी MR 1 और MR 2 के बीच में लगी हुई है। एडिशनल C2 रिले वॉल्व है, कौन सी रिले, एडिशनल C2 रिले वॉल्व, एडिशनल C2 रिले वॉल्व है ये MR के नीचे बैटरी बॉक्स के पीछे लगी हुई है, MR 1 के नीचे और बैटरी बॉक्स के पीछे, बैटरी बॉक्स के पीछे ये लगी हुई है। फिर हम देखते हैं MR सेफ्टी वॉल्व है, MR सेफ्टी वॉल्व है, MR का जो सेफ्टी वॉल्व है ये लगा हुआ है MR 2 के बाद में, MR 2 के बाद। फिर है वॉगी आइसोलेटिंग कॉक है, वॉगी 2 आइसोलेटिंग कॉक, वॉगी 2 आइसोलेटिंग कॉक, वॉगी 2 आइसोलेटिंग कॉक है ये MR 1 व्हील नंबर 7 के पास है, MR 1 व्हील नंबर 7 के पास। फिर हम देखते हैं एयर इनटेक वाल्व है, कौन सा है एयर इनटेक वाल्व, एयर इनटेक वाल्व है ये SL1 के पास में है, किसके पास में है SL1 के पास, एयर इनटेक वाल्व है। फिर बात करते हैं कॉरिडोर नंबर 2 के नीचे, कॉरिडोर नंबर 2 के नीचे क्या क्या लगा हुआ है, कॉरिडोर नंबर 2 के नीचे क्या क्या लगा हुआ है, तो कॉरिडोर नंबर 2 के नीचे की बात करें जैसे 6 kg/cm² फीड वॉल्व है, व्हील नंबर 8 के पास में लगा हुआ है, फीड वॉल्व कहाँ पर लगा हुआ है
व्हील नंबर आठ के पास, व्हील नंबर आठ के पास। फिर है एस एम जी आर ट्रेन कॉक है, ये कहाँ पर लगा हुआ है, एस एम जी आर ट्रेन कॉक, एस एम जी आर ड्रेन कॉक ये लगा हुआ है एम आर थ्री के नीचे, बैटरी बॉक्स के पीछे, एम आर थ्री के नीचे और बैटरी बॉक्स के पीछे, बॉक्स के पीछे लगा हुआ है। फिर है सी टू रिले वॉल्व, सी टू रिले वॉल्व, सी टू रिले वॉल्व लगा हुआ है एम आर थ्री और एम आर फोर के बीच में, जैसे एम आर थ्री एम आर फोर के बीच में लगा हुआ है सी टू रिले वॉल्व। एम आर थ्री व एम आर फोर के बीच में लगा हुआ है सी टू रिले वॉल्व। फिर है हमारा एम आर फोर कॉक है, एम आर फोर के बाद में लगा हुआ है, एम आर फोर कॉक किसके बाद में लगा हुआ है, एम आर फोर के बाद में लगा हुआ है एम आर फोर कॉक। बॉगी वन आइसोलेटिंग कॉक है, बॉगी वन आइसोलेटिंग कॉक व्हील नंबर छः के पास लगा हुआ है, बॉगी वन आइसोलेटिंग कॉक, आइसोलेटिंग कॉक, बॉगी वन आइसोलेटिंग कॉक है ये व्हील नंबर छः के पास लगा हुआ है, व्हील नंबर छः के पास बॉगी वन आइसोलेटिंग कॉक। फिर आर वन कॉक है व्हील नंबर चार के पास है, आर वन कॉक कहाँ पर है, व्हील नंबर चार के पास आर वन कॉक है। फिर है सी डी सी टू है एम आर फोर के बाद है, सी डी सी टू एम आर फोर के बाद में, एम आर फोर के बाद है सी डी सी टू। अब बात करते हैं हम एयर फिल्टर एवं ड्रायर यूनिट की, एयर फिल्टर एवं एयर ड्रायर यूनिट की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि एयर फिल्टर और ड्रायर यूनिट हम देख रहे थे, एयर फिल्टर और ड्रायर यूनिट, एयर फिल्टर और ड्रायर यूनिट, इसमें क्या बताया गया है, ड्रायर यूनिट। जैसे हम देखें उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सभी विद्युत लोकोमोटिव पर एयर फिल्टर और ड्रायर यूनिट यहाँ पर लगाया गया है। कंप्रेसर के द्वारा एम आर चार्ज करते समय, जब हम कंप्रेसर के द्वारा एम आर चार्ज करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एयर फिल्टर और ड्रायर यूनिट यहाँ पर लगाया गया है, ये एयर ड्रायर यूनिट है, एयर फिल्टर और एयर ड्रायर यूनिट ये एम आर टू और एम आर थ्री के बीच में लगाया गया है। तो जब हम कह सकते हैं कि कंप्रेसर के द्वारा एम आर चार्ज करते समय, जब हम कंप्रेसर के द्वारा किसको चार्ज करते हैं, एम आर को चार्ज करते हैं, तो एम आर चार्ज करते समय एम आर में तेल के कण, धूल के कण या नमी एकत्र हो जाती है, इसी हवा का उपयोग ब्रेक सिस्टम के लिए किया जाता है जो कि ब्रेकिंग सिस्टम के बॉल्व के लिए घातक है, जिससे ब्रेक सिस्टम की दक्षता प्रभावित होती है एवं उपकरण की उम्र भी घटती है। तो इसलिए यहाँ पर एयर फिल्टर एवं ड्रायर यूनिट लगाई गई है, एम आर टू और एम आर थ्री के बीच में ये कॉक लगाई गई है और ये इंडिकेट करता है, और ये एयर ड्रायर का क्या है, फ्यूज है, सी सी ए डी एयर ड्रायर का फ्यूज है, और ये एयर ड्रायर का स्विच है जिसको ऑन करने के लिए काम आता है एयर ड्रायर यूनिट को। तो एयर ड्रायर का ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसमें हम देखें कुछ विद्युत लोको में यह यूनिट दोनों बोगी के मध्य अंडर ट्रक में और कुछ लोको में कॉरिडोर नंबर टू के नीचे ये लगी हुई है। इस यूनिट का इनलेट एम आर टू से होता है, इस यूनिट का इनलेट है वो एम आर टू से है तथा आउटलेट पर एम आर थ्री यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये आउटलेट है और ये इनलेट है, इनलेट पर एम आर टू है और आउटलेट में एम आर थ्री से जुड़ा हुआ है। इसके इनलेट और आउटलेट पाइप पर क्रमशः ए और बी कॉक लगा हुआ है, ए कॉक लगा हुआ है इनलेट पर और आउटलेट पर लगा हुआ है बी कॉक। ये दोनों कॉक हरे रंग के होते हैं जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाए गए हैं, ये दोनों कॉक हैं यहाँ पर हरे रंग के हैं, और इस यूनिट को बाईपास करने के लिए एक क्रॉस ओवर पाइप भी लगाया गया है। इस यूनिट पूरी यूनिट को बाईपास करने के लिए यहाँ पर एक क्या लगाया गया है, क्रॉस ओवर पाइप लगाया गया है जो इनको क्रॉस कर रहा है, जिस पर कॉक सी लगा हुआ है
और यह कॉक है वो लाल रंग का है। सामान्यतः ए और बी कॉक है खुली अवस्था में रहते हैं, ये दोनों ए कॉक और बी कॉक दोनों खुली अवस्था में रहते हैं और सी कॉक हमारा बंद अवस्था में रहता है। यदि कलर कोड उपरोक्त अनुसार नहीं है तो एयर ड्रायर के पास में लिखे अनुदेशों का हमें पालन करना है। यह यूनिट जो है ये यूनिट कैसे चलती है, ये बैटरी के 110 वोल्ट डीसी से विद्युत सप्लाई से ये कार्य करती है, यानी बैटरी से 110 वोल्ट डीसी देते हैं तब ये जो यूनिट है वो काम करती है। इस यूनिट की सुरक्षा के लिए जो एयर ड्रायर एवं एयर फिल्टर एवं ड्रायर यूनिट है, इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर सीसीएडी फ्यूज लगाया गया है और आइसोलेट करने के लिए यहाँ पर आइसोलेशन स्विच भी लगाया गया है जिसका नाम है एचएडी, एयर ड्रायर का स्विच। तो आइसोलेशन स्विच एचएडी कक्ष 2 के पीछे लगाया गया है, यानी कैब 2 के पीछे है ये एचएडी, कैब 2 के पीछे ये लगाया गया है। इस यूनिट को बैटरी की विद्युत सप्लाई, अब इस यूनिट को है बैटरी की विद्युत सप्लाई इसके आइसोलेशन स्विच को कनेक्ट करके, इसके आइसोलेशन स्विच एचओडी को ऑन करके वह फ्यूज सीसीएडी से होती हुई मिलती है। इससे यह यूनिट कार्य करने लगता है, जैसे यहाँ से सप्लाई मिलेगी तो यह यूनिट कार्य करने लगता है। इस यूनिट की कार्य क्षमता की जांच करने के लिए इसको इसकी बॉडी पर, इसकी यूनिट की कार्य क्षमता कैसी है इसकी जांच करने के लिए यहाँ पर इसकी बॉडी पर ये इंडिकेटर लगाए गए हैं। तो एक संकेतक लगाया है, सामान्य अवस्था में यह संकेत है वो कैसा रंग प्रदर्शित करता है, सामान्य अवस्था में ये नीला रंग प्रदर्शित करता है, जब ये सही तरीके से काम करता रहता है तो नीला रंग प्रदर्शित करता है। और यूनिट के कार्य नहीं करने पर क्या होता है, अगर ये यूनिट कार्य नहीं कर रही है, ये यूनिट के कार्य नहीं करने पर हम क्या करते हैं, MR3 को ड्रेन करने पर, ये यूनिट कार्य नहीं कर रही है तो MR3 को ड्रेन करने पर, MR3 को ड्रेन करने पर नमी बाहर आएगी। MR3 को ड्रेन करेंगे तो क्या आएगी, नमी बाहर आएगी। तो MR3 को ड्रेन करने पर नमी बाहर आएगी, ऐसी स्थिति में फ्यूज सीसीएडी सही होने की हमें जांच करनी है कि सीसीएडी फ्यूज सही है कि नहीं है, और आइसोलेशन स्विच का ऑन होना हमें चेक करना है अगर ये यूनिट काम नहीं कर रखी है। कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ये सी कॉक को हमें ओपन करना है और इन दोनों कॉकों को हमें बंद करना है, यानी कि कौन कौन सी परिस्थिति में इस यूनिट को बाईपास करना चाहिए, तो वो परिस्थितियाँ हम देखते हैं कौन कौन सी परिस्थिति हैं जिसमें इस यूनिट को बाईपास करना चाहिए। तो हम कहते हैं, देखते हैं यहाँ पर यूनिट को बाईपास करने की परिस्थितियाँ, जैसे पहली परिस्थिति हम देखें क्या है, जब यूनिट का संकेतक पीला रंग दर्शा रहा है, जब ये यूनिट का संकेतक है ये सामान्यतः नीला दर्शाता है, मान लीजिए पीला दर्शा रहा है तो इसको बाईपास करना चाहिए। दूसरा हमें देखना है, दूसरा क्या है, MR3 से नमी ड्रेन करने पर पानी निकल रहा है, MR3 से अगर हमें नमी ड्रेन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तब भी इस यूनिट को बाईपास करना चाहिए। और जब MR प्रेशर बनने में और बने रहने में कोई समस्या आ रही है, इसमें MR प्रेशर नहीं बन रहा है, MR प्रेशर बनने में समस्या आ रही है, या फिर MR प्रेशर नहीं बन रहा है, या MR प्रेशर बने रहने में कोई समस्या आ रही है, तब भी हम इस यूनिट को बाईपास कर देते हैं। इस यूनिट को बाईपास करने के लिए ए और बी कॉक है इनको हमें बंद करना चाहिए और सी कॉक को खोल देना चाहिए, एवं इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हम इसे कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करेंगे यानी स्विच को भी हम बंद कर देंगे। इस यूनिट के बाईपास करने पर इसका उल्लेख लोको लॉग में करना चाहिए, यानी लोको में अगर हमने की है तो इस यूनिट को बाईपास करने का उल्लेख करना चाहिए। किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे कि WAG5 में हमने बाईपास की है या 7 में बाईपास की है, लोको का प्रकार लगेंगे। एयर ड्रायर सर्किट में ना रहने पर एक कंप्रेसर से प्रेशर बनने में लगने वाला समय, मान लीजिए एयर ड्रायर नहीं है तो एयर ड्रायर के नहीं रहने पर एक कंप्रेसर से लगने वाला समय मान लीजिए 13 मिनट है, तो हम नोट करेंगे कि एयर ड्रायर सर्किट में ना रहने पर एयर कंप्रेसर से प्रेशर बनने में लगने वाला समय 13 मिनट है, और एयर ड्रायर सर्किट में रहने पर एक कंप्रेसर से प्रेशर बनने में लगने वाला समय 17 मिनट है। तो यानी एयर ड्रायर की उपस्थिति में टाइम यहाँ पर बढ़ रहा है। तो
एयर ड्रायर लगे हुए लोकों में 8 से 9 kg 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर कट इन और कट आउट बनने के लिए, यानी कट इन जो प्रेशर है वो है 8.0 और कट आउट है 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एयर ड्रायर लोको होते हैं उनमें 8.0 से 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बनने के लिए लगने वाला जो समय है वो 120 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, से ज़्यादा ना हो या नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एम आर व सी आर का प्रेशर नहीं बनना। एम आर और सी आर में प्रेशर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे? एम आर व सी आर का प्रेशर ने बनना, यानी एम आर और सी आर में प्रेशर नहीं बन रहा है तो हम क्या करें? तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या करेंगे। हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एम सी पी है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एम सी पी का चलना सुनिश्चित करेंगे। न चलने पर अगर एम सी पी नहीं चल रहा है तो हम दूसरा एम सी पी चलाएंगे। दूसरा क्या चेक करना है हमें? एम सी पी का सेफ्टी वॉल्व ब्लो हो रहा है। एम सी पी का हम क्या करेंगे? सेफ्टी वॉल्व चेक करेंगे कि सेफ्टी वॉल्व है वो ब्लो हो रहा है कि नहीं है, यानी कि उससे हवा आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर सेफ्टी वॉल्व से हवा आ रही है तो उसको हम क्या कर देंगे? टैप कर देंगे, यानी कि उसको चला टैप कर देंगे तो उससे वो लीकेज बंद हो सकता है। तीसरा हमें क्या करना है? एवीडी बल्ब ब्लो हो रहा है। मान लीजिए एवीडी बल्ब से हवा आ रही है, इस एवीडी बल्ब से, तो एवीडी बल्ब ब्लो हो रहा है तब भी हमें क्या करना है? उसको टैप करना है, अन्यथा एवीडी बल्ब को हम बंद कर सकते हैं। चौथा हमें क्या करना है? चौथा हम देखेंगे एम आर का सेफ्टी बल्ब है ब्लो हो रहा है। किसका? एम आर का सेफ्टी बल्ब। तो अगर एम आर का सेफ्टी बल्ब है ब्लो हो रहा है तो उसे टैप करेंगे, और आइसोलेटिंग कॉक हो तो उसे हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अगर एम आर के पास में आइसोलेटिंग कॉक है तो उसे हम बंद कर देंगे। पांचवा हमें क्या करना है? एम आर सहित सभी ड्रेन कॉक और दोनों ओर के इक्वलाइजिंग पाइप का एंगल कॉक बंद होना चेक करना है, यानी एम आर सहित, किसके साथ में? एम आर सहित, एम आर सहित सभी ट्रेन कॉक हैं और दोनों ओर के जो इक्वलाइजिंग पाइप का एंगल कॉक है बंद होना चेक करना चाहिए। छठा हमें चेक करना है E3W वॉल्व है। कौन सा वॉल्व है? E3W। तो E3W वॉल्व है, E3W वॉल्व चेक करें। यदि प्रेशर ड्रेन हो रहा है तो उसका कटआउट कॉक बंद कर देना चाहिए। बीपी प्रेशर 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनने पर पुनः उसको खोल करके देखना चाहिए। अगला काम हमें करना है, अगर किसी फिर भी प्रेशर नहीं बढ़ता है तो हमें क्या करना है? दोनों कंप्रेसर चला देने हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है? जो NC7 है, NC7 वॉल्व है, उसे लीकेज होने पर बंद करने का प्रयास करें। सफलता नहीं मिलने पर NC वॉल्व की जो कॉक है उसी को हमें आइसोलेट कर देना है। 9वां नंबर का हमें क्या करना है? एयर ड्रायर को आइसोलेट कर देना है। और 10वां नंबर हमें चेक करना है, लीकेज को चेक करना है। लीकेज चेक करना है, कहीं लीकेज है तो उसे बंद करना है। 11वां नंबर का हमें क्या करना है? एयर इनटेक कॉक का खुला होना, यानी एयर इनटेक कॉक खुला है। मान लीजिए ये एयर इनटेक कॉक है वो खुला है, मान लीजिए, या खराब है। एयर इनटेक कॉक खुला हुआ है या NRV खराब है तो हमें इसको कॉक को बंद करना है। फिर अगला क्या करना है हमें? MR4 कॉक का बंद होना। अगर MR4 कॉक है वो बंद है तो उसे हम क्या करना है? खोल देना है। तो MR4 के कॉक को हमें खोल देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी किस में आती हैं? न्यूमेटिक सर्किट में आती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं लोको ब्रेक सिस्टम। यहाँ पर हम देखते हैं लोको ब्रेक सिस्टम है। लोको ब्रेक सिस्टम में क्या हो रहा है? यहाँ पर लोको ब्रेक सिस्टम के अंदर SE9 के द्वारा केवल लोको ब्रेक लगते हैं। जो SE9 है हमारा, इसके द्वारा क्या लगते हैं? केवल लोको के ब्रेक लगते हैं। लोको ब्रेक हमारे लगते हैं। तो लोको ब्रेक हमने एक वीडियो में पढ़ लिया है, तो इस SE9 लोको ब्रेक को हम छोड़ देते हैं और हम पढ़ेंगे MU ऑपरेशन के द्वारा
यानी एमरू और एमयू ऑपरेशन में लीडिंग लॉक ओके एसी नाइन के द्वारा ब्रेक एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, क्योंकि तो ये एसी नाइन का लॉक ओके ब्रेक है, ये हमने किसी दूसरे वीडियो के अंदर पढ़ लिया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एमयू ऑपरेशन में लीडिंग लॉक ओके एसी नाइन के द्वारा ब्रेक ऑपरेशन, एमयू ऑपरेशन में लीडिंग लॉको के एसी नाइन द्वारा ब्रेकिंग ऑप्लीकेशन, लीडिंग लॉको के एसी नाइन द्वारा ब्रेक ऑप्लीकेशन, ब्रेक एप्लीकेशन या ब्रेक ऑपरेशन। तो इस ब्रेक ऑपरेशन से पहले हम देख लेते हैं कि एसी नाइन लॉको ब्रेक सिस्टम ही पढ़ लेते हैं हम वापस से एक बार, कि ऐसे नियम के द्वारा जो लॉको ब्रेक लगते हैं सिर्फ लॉको के ही ब्रेक लगते हैं इसके द्वारा। कैब में ऐसे नाइन के लिए आइसोलेटिंग कॉक लगाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आइसोलेटिंग कॉक लगाए गए हैं कैब में ऐसे नाइन के लिए, जिस कैब से काम करना है उस कैब के ऐसे नाइन के जो आइसोलेटिंग कॉक हैं वो ओपन होने चाहिए, यानी जिस कैब से काम करना है, मान लीजिए कैब वन से काम कर रहे हैं तो इस कैब वन के आइसोलेटिंग कॉक है वो ओपन होने चाहिए, और कैब टू से हम काम नहीं कर रहे हैं तो उसके आइसोलेटिंग कॉक है वो क्लोज होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम बात करें एमयू टू बी है, एमयू टू बी वॉल्व है, ये लीड पोजीशन पर होना चाहिए, कौन सी पोजीशन पर होना चाहिए, लीड पोजीशन पर होना चाहिए। एमआर फोर का कॉक है ये, एमआर फोर का जो कॉक है यहाँ पर, एमआर फोर का कॉक क्या होना चाहिए, एमआर फोर का कॉक ओपन होना चाहिए, यानी एमआर फोर का कॉक खुला होने पर हवा है एसे नाइन को आती है, जैसे ही एमआर फोर का कॉक खुला होगा तो ये हवा एसे नाइन को आएगी सीधी यहाँ पर, जैसे इस तरीके से, जिसका प्रेशर है एमआर फोर का प्रेशर क्या है 9.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एसी नाइन को एप्लीकेशन पोजीशन पर रख करके, एसी नाइन को हम किस पर रखेंगे, एप्लीकेशन पोजीशन पर रख करके ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है वो यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 3.0 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एडजस्ट किया जाता है। तो ये ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है 3.0 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी हेल्प से सेट किया जाता है, ये सेट किया जाता है एसे नाइन को एप्लीकेशन पोजीशन पर रख करके इसको सेट किया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एमआर फोर का प्रेशर जो है किसका, एमआर फोर का प्रेशर एसे नाइन बल्ब के पोर्ट नंबर 30 पर आकर के रुक जाता है, जैसे कि यहाँ पर पोर्ट नंबर 30 पर आकर के एमआर फोर का प्रेशर है वो रुक जाता है, मान लीजिए इस कैप से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, तथा C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर कोई प्रेशर यहाँ पर नहीं रहता है, जैसे कि यहाँ पर बात करें ये यहाँ पर रुक जाता है, और इधर C2 रिले के बल्ब का पोर्ट नंबर 2 है इस पर कोई भी प्रेशर यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि SA9 के पोर्ट नंबर जो 20 का संबंध है वर्तमान में वो किससे है, एग्जिस्ट पोर्ट से जुड़ा रहता है, इस वजह से यहाँ पर जब ये इससे जुड़ा रहेगा और 20 वाला ही कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है MU2B के द्वारा DCB के द्वारा C2 रिले बल्ब से, तो यहाँ पर ये जब ये एग्जिस्टिंग पोर्ट से जुड़ा हुआ है तो यहाँ का जो हवा पर का प्रेशर होगा वो इधर से एग्जिस्ट पोर्ट से निकल जाएगा, यानी यहाँ का प्रेशर एकदम जीरो होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर C2 रिले वॉल्व है अपनी यहाँ पर इस कंडीशन में बैलेंस पोजीशन पर रहता है, तब उसका पोर्ट नंबर 3 है, जब ये C2 रिले वॉल्व बैलेंस पोजीशन पर रहता है तो ये पोर्ट नंबर 3 है ये एग्जिस्ट पोर्ट से जुड़ा रहता है, और जब ये एग्जिस्ट पोर्ट से जुड़ा रहेगा तो यहाँ पर जो हवा होगी, यहाँ पर जो भी हवा होगी वो इस एग्जिस्ट पोर्ट से तीन से होते हुए एग्जिस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पर ब्रेक हमारे रिलीज अवस्था में रहते हैं, तो ब्रेक सिलेंडर में कोई प्रेशर नहीं रहेगा, ब्रेक सिलेंडर में कोई प्रेशर नहीं रहता है मतलब लॉको ब्रेक है वो रिलीज रहते हैं। अब बात करते हैं एसे नाइन की एप्लीकेशन पोजिशन की, किसकी बात करते हैं, एसे नाइन की एप्लीकेशन पोजिशन, एप्लीकेशन पोजिशन। तो एप्लीकेशन पोजिशन में क्या होता है, एसे नाइन की एप्लीकेशन पोजीशन में उसका जो पोर्ट नंबर 20 है, इस पोर्ट नंबर 20 का संबंध है ये एग्जिस्ट पोर्ट से टूट जाता है, और टूट करके पोर्ट नंबर 30 से जुड़ जाता है, पोर्ट नंबर 30 से जुड़ेगा तो यहाँ पर जो हवा का प्रेशर रुका हुआ था एम आर फोर का, ये हवा इस तरीके से आएगी, तो ये यहाँ पर पोर्ट नंबर 30 का संबंध है 20 से जुड़ जाता है, एम आर का एडजस्ट किया हुआ प्रेशर 3.0 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है एसी नाइन के पोर्ट नंबर 30 और 20 से होते हुए सी टू रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर आएगा, एमयू टू बल्ब से होते हुए सी टू रिले के
पोर्ट नंबर टू पर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3.0 kg/cm² प्रेशर आएगा, और जिससे सी टू रिले बल्ब है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। और ये जैसे ही अनबैलेंस होगा MR4 का प्रेशर जो कि सी टू रिले बल्ब के पोर्ट नंबर वन पर रुका रहता है, ये MR4 का प्रेशर है, इधर भी सी टू रिले बल्ब के पोर्ट नंबर वन पर रुका हुआ है, उसका संबंध है अब किससे जुड़ जाता है, तीन से जुड़ जाता है, किससे जुड़ जाएगा, तीन से जुड़ जाता है। और पोर्ट नंबर वन का प्रेशर पोर्ट नंबर थ्री से जाता है, और ये पोर्ट नंबर टू पर आए हुए प्रेशर के बराबर होता है। जैसे पोर्ट नंबर टू पर मान लीजिए 3.0 kg/cm² प्रेशर आया, तो यहाँ पर इधर जो प्रेशर जाएगा वो भी 3.0 kg/cm² प्रेशर ही जाएगा, और ये प्रेशर यहाँ आएगा और ये इसमें पिस्टन को दबाएगा, दबाने के बाद में इस व्हीकल पर क्या लगेंगे, ब्रेक लगेंगे, इस व्हील पर ब्रेक लगेंगे। तो जैसे ही हम कह सकते हैं निकल करके बोगी के कटआउट कॉक, यहाँ पर ये बोगी के कटआउट कॉक हैं, ये कहने क्या होने चाहिए, खुले होने चाहिए, ओपन होने पर ब्रेक सिलेंडर में जा करके उसे ऑपरेट करता है जिससे लोको ब्रेक लग जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे ब्रेक एप्लीकेशन, यानी SA9 की एप्लीकेशन। अब हम कहते हैं SA9 की रिलीज पोजिशन की बात, रिलीज पोजिशन पर क्या होता है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर SA9 की रिलीज पोजिशन। क्या है रिलीज पोजीशन, जब SA9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर लाते हैं, किस पर लाते हैं, SA9 हैंडल को जैसे ही हम रिलीज पोजीशन पर लाते हैं तो इसका पोर्ट नंबर 20 का जो संबंध है वो 30 से टूट जाता है और वापस से एग्जिस्ट पोर्ट से जुड़ जाता है। साथ ही पोर्ट नंबर 20 का संबंध है SA9 बल्ब के एग्जिस्ट पोर्ट से जुड़ जाता है, तो यहाँ पर एग्जिस्ट पोर्ट से जुड़ जाएगा तो सी टू रिले बल्ब में जो हवा होगी वो वापस से एग्जिस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगी इधर से, तो सी टू रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 22 पर गई हुई हवा थी वो MU2B बल्ब से होती हुई SA9 के एग्जिस्ट पोर्ट से वातावरण में निकल जाती है, और सी टू रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2, ये सी टू रिले बल्ब का जो पोर्ट नंबर 2 है इस पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा तो ये बैलेंस कंडीशन हो जाएगा, और इस जब ये बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा तो यहाँ पर पोर्ट नंबर 1 का संबंध है 3 से टूट जाएगा और 3 का संबंध एग्जिस्ट पोर्ट से हो जाएगा, और यहाँ पर जो हवा भरी हुई थी ये हवा इसके थ्रू वातावरण में निकल जाएगी, यानी पोर्ट नंबर 3 का संबंध है एग्जिस्ट पोर्ट से जुड़ जाता है, और ब्लैक सिलेंडर में SA9 में गई हुई हवा सी टू रिले वाल्व के एग्जिस्ट पोर्ट से बाहर वातावरण में निकल जाती है, जिससे ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन स्प्रिंग टेंशन से ऑपरेट होते हैं और लोको ब्रेक रिलीज हो जाते हैं, और जैसे यहाँ से ऑपरेट होंगे तो लोको ब्रेक हमारे क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, रिलीज हो जाते हैं लोको ब्रेक। अब हम देखते हैं MU ऑपरेशन से लीडिंग लोको के SA9 द्वारा ब्रेक ऑपरेशन। MU लोको में यानी MU ऑपरेशन में हम देखते हैं MU ऑपरेशन में लीडिंग लोको के SA9 द्वारा ब्रेक ऑपरेशन, लीडिंग लोको के SA9 द्वारा ब्रेक एप्लीकेशन यानी हम कह सकते हैं कि दो क्या लगाए गए हमने, यहाँ पर लोको लगाए गए हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर, इधर की साइड में गाड़ी चल रही है तो पहला नंबर का लोको है वो हमारा लीडिंग लोको कहलाएगा। तो लीडिंग लोको के SA9 द्वारा ब्रेक एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। जैसे जब लीडिंग लोको का SA9 हैंडल एप्लीकेशन पोजिशन पर लेते हैं तो लीडिंग लोको के जो C2 रिले वॉल्व है, लीडिंग लोको का C2 रिले वॉल्व है, इससे ब्रेक सिलेंडर में जाने वाली हवा लीडिंग लोको के C2 वॉल्व में, यानी हम कह सकते हैं कि C2 लीडिंग लोको के C2 रिले वॉल्व से ब्रेक सिलेंडर में जाने वाली हवा F1 सेलेक्टर वॉल्व के पोर्ट नंबर 30 व 14 के द्वारा, तो F1 सेलेक्टर ये है हमारा, तो F1 सेलेक्टर हम यहाँ पर काम में लेंगे, F1 सेलेक्टर के पोर्ट नंबर 30 और 14 के द्वारा ब्रेक सिलेंडर इक्वलाइजिंग पाइप चार्ज होती है, तो यहाँ पर ये ब्रेक सिलेंडर का इक्वलाइजिंग पाइप है, ये यहाँ पर एप्लीकेशन मोड में चार्ज होता है, किसके द्वारा होता है, लीडिंग लोको, मान लिया हमने ये वाला लीडिंग लोको है लीडिंग लोको, तो लीडिंग लोको में सी टू रिले वॉल्व से
ब्रेक सिलेंडर में जो हवा जाती है, तो ब्रेक सिलेंडर में जाने वाली हवा F1 सिलेक्टर, ये है F1 सिलेक्टर वाल्व, जिसके पोर्ट नंबर 30 और 14 के द्वारा ब्रेक सिलेंडर में, यानी ब्रेक सिलेंडर के इक्वलाइजिंग पाइप में जाती है, जिससे ये चार्ज होता है। और इसके जुड़े रहने तथा एंगल कॉक खुले रहने पर, इसके जुड़े रहने पर और इसके एंगल कॉक हैं यहाँ पर, ये खुले रहने पर, इसके जुड़े रहने और इसके तथा एंगल कॉक खुले रहने पर यह हवा पिछले लोकों के, जैसे ये एंगल कॉक यहाँ पर ये खुले हुए हैं, तो ये खुले हुए होंगे तो हवा यहाँ पर जाएगी इस तरीके से, और पिछले लोकों के ये कहाँ पर जाएगी, MU2B के ट्रेल पर, F1 सिलेक्टर के 14 और 16 के द्वारा ये MU2B पोर्ट नंबर 2 पर जाएगी, ये इस तरीके से यहाँ पर जाएगी MU2B के ट्रेल पर, F1 सिलेक्टर वाल्व के पोर्ट नंबर 14 और 16 से होकर के DCV के द्वारा, यहाँ पर लगाया गया DCV के द्वारा पिछले लोगों के C2 रिले वाल्व को के पोर्ट नंबर 2 पर जा कर के उसे ऑपरेट कर देती है। और C2 रिले वाल्व के ऑपरेट होने से, जैसे ही ये C2 रिले वाल्व ऑपरेट होगा, तो C2 रिले वाल्व के ऑपरेट होने से MR प्रेशर पोर्ट नंबर 1 से होता हुआ, अब C2 रिले बल्ब के ऑपरेट हो जाएगा, तो जब ये C2 रिले बल्ब ऑपरेट हो जाएगा तो MR का जो प्रेशर यहाँ पर रुका हुआ है, ये MR प्रेशर पोर्ट नंबर 1 से होता हुआ पोर्ट नंबर 3 से निकल करके क्या करेगा, बॉगी आइसोलेटिंग कॉक खुला होने पर, पोर्ट नंबर 3 से निकल करके बॉगी आइसोलेटिंग कॉक अगर ये खुला हुआ है, तो ये इधर का ब्रेक लगाएगा, ये इधर का ब्रेक लगाएगा, लोको ब्रेक लग जाते हैं। अब बात करते हैं रिलीज की, किस तरीके से रिलीज करना है, ये तो होगी एप्लीकेशन की बात, अब बात करते हैं रिलीज करना, रिलीज कैसे किया जाएगा। जब लोडिंग लोको के SA9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर रखते हैं, जैसे ही हम इसको रिलीज पोजीशन पर रखेंगे, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिलीज पोजीशन की, जैसे रिलीज पोजीशन, तो जब हम क्या करते हैं, लोडिंग लोको के SA9 हैंडल को जब रिलीज पोजीशन पर रखते हैं, जैसे लीडिंग लोको है, लीडिंग लोको के SA9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर रखते हैं, तो C2 रिले वाल्व के पोर्ट नंबर 2 तक गई हुई हवा SA9 के एग्जिस्ट पोर्ट से यहाँ पर बाहर निकल जाती है, ये हवा यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और लीडिंग लोको का C2 रिले वाल्व अपनी बैलेंस पोजिशन पर आ जाता है, ये यहाँ पर अपनी बैलेंस पोजिशन पर आ जाएगा, जिससे ट्रेलिंग लोको की C2 रिले बल्ब है, अब ये जब बैलेंस पोजीशन पर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं ये ट्रेलिंग लोको है, ट्रेलिंग लोको का C2 रिले बल्ब है, इसके पोर्ट नंबर 2 की हवा, इस पोर्ट नंबर 2 की हवा है, ये लोको के F1 सिलेक्टर बल्ब है, लोको का जो F1 सिलेक्टर बल्ब है इसके द्वारा, और VC इक्वलाइजिंग पाइप है, VC इक्वलाइजिंग पाइप से होकर के लीडिंग लोको के F1 सिलेक्टर के बल्ब से होती हुई C2 रिले के पोर्ट नंबर 3 और एग्जस्ट पोर्ट से वातावरण में बाहर निकल जाती है, जिससे पिछले लोगों का C2 रिले बल्ब है क्या करता है, C2 रिले बल्ब, ये पिछले लोगों का C2 रिले बल्ब है, ये अपनी सीट पर बैठ जाता है, यानी कि बैलेंस हो जाता है, और ट्रेलिंग लोगों के बैक सिलेंडर का जो प्रेशर है C2 रिले बल्ब के एग्जस्ट पोर्ट से यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, जैसे से बाहर निकल जाएगा, जिससे यहाँ पर ये लोको ब्रेक हैं यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम की बात करें, एयर ब्रेक सिस्टम में हम कह सकते हैं कि एयर ब्रेक सिस्टम क्या है, WAG5 लोको पर IRAV सिस्टम लगा हुआ है, IRAV सिस्टम लगा है, जिसे हम एयर ब्रेक सिस्टम कहते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम या एयर ब्रेक से संबंधित उपकरण हम देखें, कौन कौन से एयर ब्रेक से संबंधित उपकरण होते हैं, तो एयर ब्रेक से संबंधित उपकरण में हम देखें, A9 बॉल के द्वारा हम देखते हैं एयर ब्रेक से संबंधित उपकरण, यहाँ पर हम बात करते हैं A9 बॉल की, ये दिखाया गया है, ये है A9 बॉल हमारा, इस तरीके से दिखाई देता है, ये हमारा A9 बॉल है, A9 बॉल है, इस AC लोकोमोटिव पर IRAV ब्रेक सिस्टम लगाया गया है, यानी एयर ब्रेक सिस्टम लगाया गया है, IRAV ब्रेक सिस्टम्स को बोलते हैं। A9 ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व, दोनों कंट्रोल कैब में ड्राइवर साइड की ये लगा रहता है, कहाँ पर रहता है, ये ड्राइवर की साइड, ये लगा रहता है ड्राइवर साइड, और इसकी 5 पोजीशन होती हैं, पहली पोजीशन होती है रिलीज पोजीशन, दूसरी पोजीशन होती है इसकी मिनिमम रिडक्शन,
मिनिमम रिडक्शन। तीसरी पोजीशन होती है इसकी फुल सर्विस, फुल सर्विस। चौथी पोजीशन होती है इसकी ओवर रिडक्शन, ओवर रिडक्शन। और पांचवी सर्विस होती है, यानी पांचवी जो पोजीशन होती है इसकी, वो होती है इमरजेंसी, इमरजेंसी। तो यहाँ पर हम देखें आरएस इमरजेंसी वॉल्व को हम देखते हैं। आरएस इमरजेंसी वॉल्व है, जैसे कि ये हमारा एडिशनल सी टू है, ये हमारा सी टू रिले वॉल्व है, इमरजेंसी फ्लैप वॉल्व है, आरएस इमरजेंसी वॉल्व है। तो आर एस इमरजेंसी वॉल्व में हम देखते हैं यहाँ पर आर एस इमरजेंसी वॉल्व ये किस लिए काम आता है। तो इसको थोड़ा सा हम देखें, ये आर एस इमरजेंसी वॉल्व है जो कि लोको पायलट इमरजेंसी में, साइक लोको पायलट इमरजेंसी में ब्रेक लगाने के लिए इसको बाहर खींच देता है। तो आर एस इमरजेंसी वॉल्व में क्या होता है, यह दोनों कैब में साइक लोको पायलट यानी ए एल पी की साइड रहता है, इस तरीके से दिखता है, और साइक लोको पायलट के सामने लगा रहता है। और यह वॉल्व बीपी पाइप के साथ में जुड़ा रहता है, किसके साथ में कनेक्ट रहता है, ये डायरेक्ट बीपी पाइप के साथ में ये जुड़ा रहता है। इसे ऑपरेट करने पर क्या होता है, गाड़ी के जो ब्रेक हैं वो जल्दी लग जाते हैं, यानी जल्दी ब्रेकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें लिमिट वॉल्व, ये लिमिट वॉल्व का नीचे की साइड लगा हुआ है, लिमिट वॉल्व ये किस लिए काम में आता है। तो लिमिट वॉल्व की बात करें हम, लिमिट वॉल्व आता है हमारा, ये टीपीएन 2 में लगा है, किस में लगा है वह, ये हमारा लिमिट वॉल्व लगा हुआ है टीपीएन 2 में लगा है। और इस वॉल्व को C3WDV की आउटपुट प्रेशर लाइन पर लगाया गया है, कहाँ पर लगाया गया है, इसको लगाया गया है C3W जो डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व है उसकी आउटपुट प्रेशर लाइन पर इसको लगाया गया है, आउटपुट प्रेशर लाइन पर लिमिट वॉल्व को लगाया गया है। इस वॉल्व के द्वारा कंजेक्शन वर्किंग में बीसी प्रेशर की अधिकतम 1.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीमा निर्धारित होती है, यानी कंजेक्शन ब्रेकिंग लगता है तो कंजेक्शन ब्रेकिंग के समय 1.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीसी प्रेशर की अधिकतम सीमा ये निर्धारित करता है, कौन से टाइम पर, कंजेक्शन वर्किंग के टाइम पर। कंजेक्शन जो ब्रेकिंग होती है, कंजेक्शन ब्रेकिंग या फिर हम बोल सकते हैं वर्किंग, तो कंजेक्शन वर्किंग के टाइम पर वीसी ब्रेक सिलेंडर में जो में प्रेशर होता है 1.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसको ये लिमिट करता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक युक्त लोको में यह प्रेशर जो होता है ये 1.8 केजी है, लेकिन अगर कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक युक्त लोको है, कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक युक्त लोको, उनमें क्या होती है लिमिट, उनमें होती है 1.4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिमिट होती है। अब बात करते हैं ऑटो आइसोलेटिंग वॉल्व की, इसकी बात करते हैं ऑटो आइसोलेटिंग वॉल्व, ऑटो आइसोलेटिंग वॉल्व। ऑटो आइसोलेटिंग वॉल्व क्या होता है, यह वॉल्व है, ये भी टीपीएन 2 में लगा हुआ है। और हम बात करें गाड़ी कंट्रोल करते समय यदि कंजेक्शन वर्किंग के समय लोको ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी हम कह सकते हैं कि गाड़ी जब कंट्रोल करते हैं, गाड़ी कंट्रोल करते समय यदि कंजेक्शन वर्किंग के समय, कब, कंजेक्शन वर्किंग के समय, कंजेक्शन ब्रेकिंग वर्किंग के समय लोको ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तब हम क्या करते हैं, PVEF दबाने से, PVEF यहाँ पर दबाया जाता है। तो हम देखें यहाँ पर जैसे कि है, तो यहाँ पर ये लिमिटिंग वाल्व के आगे हम देखें कि PVEF दबाने पर BEF वाल्व जो है ये वाल्व यहाँ पर एनर्जाइज हो जाता है। ऑटो आइसोलेटिंग वाल्व हम देख रहे हैं कि जब कंजेक्शन वर्किंग के समय लोको ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, गाड़ी कंट्रोल करते समय
जब कंजक्शन वर्किंग के समय लोको ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तब PVEF दबाने से BEF वल्व है ये एनर्जाइज होता है, जिससे ऑटो आइसोलेटिंग बल्ब की मदद से इस ऑटो आइसोलेटिंग बल्ब की मदद से लोको ब्रेक नहीं आते हैं, और यदि पहले से कंजक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक लगे हैं तो लोको ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए पहले से ही कंजक्शन वर्किंग की वजह से या कंजक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक लग गए हैं तो वो लोको ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं RGEV2। RGEV2 बल्ब देखेंगे हम। RGEV2 की बात करते हैं, ये भी TPN2 में लगा होता है। RGEV2 भी ये यहाँ पर लगा हुआ है। कहाँ पर लगाता है? TPN2 में लगा होता है, और इसका आइसोलेटिंग कॉक भी है जो हमेशा खुला रहता है। ये जो आइसोलेटिंग कॉक है ये हमेशा क्या रहता है? ओपन रहता है। इसके ऑपरेट होने पर QRS डीएनर्जाइज होकर के नॉच बैक होते हैं। जब ये ऑपरेट होता है तो हमारा जो QRS है वो डीएनर्जाइज होता है, और QRS डीएनर्जाइज होने से क्या होते हैं? नॉच बैक होते हैं, नॉच बैक होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं MU2V वाल्व की। MU2V वाल्व है, ये भी TPN2 में लगा होता है MU2V वाल्व, और इसकी दो पोजीशन होती है MU2V वाल्व की। एक पोजीशन होती है लीड और एक होती है ट्रेल। तो यहाँ पर हम देखें लीड पोजीशन और ट्रेल पोजीशन। यह सिंगल इंजन पर हमेशा लीड में रहता है, और मल्टीपल यूनिट या फिर डबल हेड में अगले लोको पर यह लीड का काम करता है, और पिछले लोको पर इसकी पोजीशन ट्रेल रहती है। और MU2V बल्ब है ये क्या करता है? MU2V बल्ब F1 सिलेक्टर बल्ब को संचालित करता है। कौन से बल्ब को संचालित करता है MU2V बल्ब? F1 सेलेक्टर जो बल्ब है ये यहाँ पर F1 सेलेक्टर बल्ब इसको ये संचालित करता है। ये है हमारा F1 सेलेक्टर बल्ब, इसको MU2V बल्ब संचालित करता है। फिर ये हम देखें यहाँ पर MU2V बल्ब है, F1 बल्ब को संचालित करता है। पिछले लोको पर जब यह डेड पर रहता है, पिछले लोको पर अगर MU2V बल्ब हमारा क्या है? डेड पर है। पिछले लोको पर यह जब डेड पर रहता है तो लोड पार्टिंग के दौरान क्या होता है? F1 सेलेक्टर बल्ब की मदद से स्वतः लोको ब्रेक लग जाते हैं। यानी लोड जब गाड़ी डिवाइड होती है, दो भागों में टूटती है गाड़ी, तो F1 सेलेक्टर बल्ब की मदद से स्वतः ही लोको ब्रेक लग जाते हैं। फिर बात करते हैं C2 रिले वाल्व की। C2 रिले वाल्व जिसे यहाँ पर दिखाया गया है, C2 रिले वाल्व, ये है C2 रिले वाल्व। तो यह वाल्व है कॉरिडोर नंबर 2 के नीचे MR3 और MR4 के बीच में लगा होता है। कॉरिडोर नंबर 2 के नीचे MR3 ये और MR4 ये, इनके बीच में लगा हुआ है ये, तो कॉरिडोर नंबर 2 के नीचे लगा होता है। SA9 को एप्लीकेशन पोजीशन में रखते हैं। जब हम SA9 को कहाँ पर रखते हैं? एप्लीकेशन पोजीशन पर। जब SA9 को एप्लीकेशन पोजीशन पर रखते हैं तो MR प्रेशर SA9 में क्या करता है? जो MR का प्रेशर होता है वो SA9 में 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में परिवर्तित हो जाता है। और 3.0 kg MR का प्रेशर है, 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में परिवर्तित हो जाता है जब इसको एप्लीकेशन में लगते मोड में रखते हैं, और परिवर्तित होकर के MU2V बल्ब, MU2V से होता हुआ ये कहाँ जाता है? C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 को जाता है। और C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 1 पर इसे C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 1 पर क्या होता है? पोर्ट नंबर 1 पर हम कहें कि पहले से ही MR4 का प्रेशर यहाँ पर रोका रहता है, जो कि पोर्ट नंबर 1 तथा 3 से होता हुआ। अब ये MR4 का प्रेशर है, ये पोर्ट नंबर 1 और 3 से होता हुआ, ये 3 से होता हुआ बोगी कटआउट कॉक खुला रहने पर ये होता हुआ यहाँ पर। अगर बोगी कटआउट कॉक खुला हुआ है तो बोगी कटआउट कॉक खुला होने पर ब्रेक सिलेंडर में जाता है और लोको ब्रेक लगाता है। SA9 को रिलीज पोजीशन पर रखने से, SA9 को जैसे रिलीज पोजीशन पर रखते हैं तो C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 पर गई हुई जो हवा है
वो एस ए नाइन के एग्जिस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है, इधर से बाहर निकल जाएगी और वातावरण निकल जाती है, जिससे रिले वाल्व अपनी सेटिंग पर आ जाता है वापस से, और पोर्ट नंबर 1 और 3 का संबंध यहाँ पर टूट जाता है, और 3 का संबंध है यहाँ पर फिर एग्जिस्ट पोर्ट से हो जाता है इधर की साइड, और एग्जिस्ट पोर्ट से बन जाता है तो हवा ब्रेक सिलेंडर में गई थी, वह सी टू रिले वाल्व के एग्जिस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है और लोको ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशनल सी टू रिले वाल्व की। एडिशनल सी टू रिले वाल्व, तो ये हम देखें यहाँ पर, ये है हमारा एडिशनल सी टू रिले वाल्व और तरीके से दिखता है, ये हमारा सी टू रिले वाल्व, इस तरीके से देख सकते हैं हम सी टू रिले वाल्व है, और ये हमारा एडिशनल सी टू रिले वाल्व। इसकी बात करते हैं तो एडिशनल सी टू रिले वाल्व है, इसमें क्या होता है, ये एडिशनल सी टू रिले वाल्व है, यहाँ पर सिर्फ रिले वाल्व है। तो एडिशनल सी टू रिले वाल्व में क्या होता है, WAG5 लोको में कॉरिडोर 1 के नीचे बैटरी बॉक्स के पीछे कहाँ पर होता है, कॉरिडोर 1 के नीचे और बैटरी बॉक्स के पीछे अंडर ट्रक में ये लगा होता है, और इसका कार्य है A9 की पोजीशन के अनुसार BP का प्रेशर बनाना और ड्रॉप करना। फिर एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व हो जाता है, जिसे हम AFM कहते हैं, एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व, AFM, एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व। जैसे यहाँ पर हम देखें एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व है, ये लगा हुआ है AFM, एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व। इसके बारे में बात करते हैं, एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व क्या है, एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व, मेजरिंग वाल्व। तो एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व है, बीपी चार्जिंग के समय क्या होता है, बीपी चार्जिंग के समय MR3 की जो हवा है, MR3 की हवा एडिशनल CT वाल्व, सी टू रिले वाल्व के द्वारा, MR3 की हवा एडिशनल सी टू रिले वाल्व के द्वारा बीपी पाइप में प्रवेश करती है। अब ये जब बीपी पाइप में प्रवेश करती है तो उसी प्रवाह के बीच में MR3 और एडिशनल सी टू के बीच में, MR3 और एडिशनल सी टू रिले वाल्व के बीच में यहाँ पर क्या है, एडिशनल सी टू के बीच में एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व यहाँ पर लगा हुआ है, और यह वाल्व MR3 से BP में बहने वाली हवा जो है, MR3 से BP की तरफ जो हवा जाती है, तो MR3 से BP में बहने वाली हवा प्रवाह की मात्रा मापता है, और उसी के अनुपात में ये क्या करता है, उसी के अनुपात में MR की हवा R6 रिले वाल्व को भेजता है। तो उसी के अनुपात में ये MR की हवा है, वो MR की जो हवा आती है उसको R6 रिले वाल्व को इसको भेजता है, R6 रिले वाल्व को भेजता है, और इस वाल्व पर, R6 रिले वाल्व पर 3 पाइप रहते हैं। कौन कौन से 3 पाइप रहते हैं, एक तो MR3 से आने वाला पाइप है, और एक एडिशनल C2 को जाने वाला पाइप है, यानी इस पर हम देखें जो ये वाल्व रहता है एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व, इस पर क्या होता है, 3 पाइप रहते हैं, एक तो MR3 से आने वाला पाइप है, एक ये एडिशनल C2 को जाने वाला पाइप है, रिलो को जाने वाला पाइप, और एक R6 वाल्व को जाने वाला पाइप है। इसके अलावा एक एडजस्टिंग चौक रहता है, इसके अलावा इसमें क्या रहता है, एक एडजस्टिंग चौक रहता है, एडजस्टिंग चौक इसके पास में, और एडजस्टिंग चौक जो डी रहता है, जो AFI के कैलिब्रेशन के लिए शेड के काम आता है। तो AFI, एयर फ्लो इंडिकेटर में कैलिब्रेशन के लिए जो चौक रहता है इसमें, इनके अलावा एक एडजस्टिंग चौक रहता है जो कि AFI के कैलिब्रेशन के लिए शेड में काम आता है। अब बात करते हैं हम R6 रिले वॉल्व, R6 रिले वॉल्व क्या है, R6 रिले वॉल्व है AC लोको में एयर फ्लो मेजरिंग वॉल्व की हवा, एयर फ्लो मेजरिंग वॉल्व की हवा है, AC लोको में एयर फ्लो मेजरिंग वॉल्व की हवा AFI तक आते आते, एयर फ्लो इंडिकेटर तक आते आते या अन्य कारण से प्रभावित होती हुई साबित हुई, इसलिए एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व और एयर फ्लो इंडिकेटर इनके बीच में R6 रिले वाल्व को लगाया गया। क्यों लगाया गया, क्योंकि
एसी लोको में एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब की जो हवा है, एयर फ्लो मेजरिंग की जो हवा है, एएफआई तक आते आते लीकेजेज या अन्य किसी कारण से प्रभावित होती हुई साबित हुई। इसलिए एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब व एयर फ्लो इंडिकेटर के बीच में R6 रिले बल्ब को लगाया गया है और एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब के द्वारा हवा के प्रवाह के अनुपात में, एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब के द्वारा इस एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब है इस एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब के द्वारा हवा के प्रवाह के अनुपात में भेजी गई हवा के प्रवाह के अनुपात में, तो हम कह सकते हैं कि एयर फ्लो मेजरिंग बल्ब के द्वारा हवा के प्रवाह के अनुपात में भेजी गई हवा R6 रिले बल्ब के ऑपरेटिंग पोर्ट पर आता है और 1:1 में R6 रिले बल्ब ऑपरेट होकर के MR3 की जो हवा है, इस MR3 की हवा एयर फ्लो इंडिकेटर में भेज देता है और साथ ही एक कनेक्शन RGAF के लिए भी जाता है। एक कनेक्शन यहाँ पर भी जा रहा है RGAF के लिए भी जाता है जो विशिष्ट प्रेशर पर, अब ये RGAF है, ये विशिष्ट प्रेशर पर LSAF जलाने और बजर बजाने का काम करता है। तो ये बजर बजाने का काम करेगा विशिष्ट प्रेशर पर, LSAF जलाने का काम करेगा और चर पर बजर बजाने का भी काम करेगा, LSAF जलाने और बजर बजाने का भी काम करेगा। इस प्रकार R6 रिले वॉल्व पर कौन कौन से पोर्ट होते हैं? R6 रिले वॉल्व पोर्ट पर हमारे एक तो एयर फ्लो इंडिकेटर होता है AFI, एक होता है RGAF और एक होता है AFMB। कौन सा होता है? एक होता है यहाँ पर AFMB, ये तीन पोर्ट होते हैं। कुल मिलाकर के एयर फ्लो इंडिकेटर में जो हवा आती है वह MR से BP में बहने वाली हवा की प्रवाह की मात्रा के अनुपात में होती है, यानी MR से BP की तरफ जो हवा बहती है उस MR से BP में बहने वाली हवा के प्रवाह की मात्रा के अनुपात में एयर फ्लो इंडिकेटर के पास में हवा आती है। अब बात करते हैं एयर फ्लो इंडिकेटर की, इसकी बात करेंगे एयर फ्लो इंडिकेटर, एयर फ्लो इंडिकेटर, एयर फ्लो इंडिकेटर होता क्या है? तो एयर फ्लो इंडिकेटर की बात करें हम, तो जब एक एयर प्रेशर गेज है, क्या है हम कह सकते हैं कि जब एक एयर प्रेशर गेज है तो दोनों कैब में चालक के सामने लगा रहता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एयर फ्लो इंडिकेटर क्या है? एक प्रकार का प्रेशर गेज है जो कि दोनों कैब में चालक के सामने लगा रहता है, यानी लोको पायलट के सामने लगा रहता है। इस गेज के द्वारा चालक को बीपी पाइप में बहने वाली हवा के प्रवाह की मात्रा की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात गाड़ी में लीकेजेज तथा गाड़ी रिलीजिंग की जानकारी हमें मिलती है। इसमें दो सुइयाँ रहती हैं, एक लाल रंग की जो कि रेफरेंस सुई कहलाती है, यहाँ पर दो सुई रहती है, एक लाल रंग की कहलाती है जो कि रेफरेंस सुई कहलाती है और यह एक नॉब के साथ में जुड़ी रहती है जिससे हम बाहर से मनचाही स्थिति में सेट कर सकते हैं। इस लाल सुई को हम मनचाही स्थिति में सेट कर सकते हैं, ये बाहर एक नॉब के साथ जुड़ी रहती है। और दूसरी को होती है सुई, वो रहती है सफ़ेद रंग की जो कि हवा के प्रवाह के अनुसार डायल पर घूमती है। तो हम बात करें R6 और AFM, R6 और AFM बल्ब के द्वारा प्राप्त एयर फ्लो के अनुपात में आई हवा के दबाव में यह निडल किसी एक स्थान पर, ये जो निडल है किसी एक स्थान पर स्थिर रहती है। चालक की सुविधा के लिए डायल पर कैलिब्रेशन प्रेशर में करने की बजाय वैगनों की संख्या में किया गया है, यानी यहाँ पर चालक की सुविधा के लिए डायल पर जो कैलिब्रेशन किया गया है वो कैलिब्रेशन प्रेशर में करने की बजाय वैगनों की संख्या में किया गया है जिसका अनुपात 100 वैगन बराबर 70 PSI रखा गया है, 100 वैगन बराबर 70 PSI रखा गया है, यानी प्रेशर में यहाँ पर मेजर नहीं किया है, इसमें वेगनों में मेजर किया गया है और 100 वैगन बराबर 70 PSI रखा गया है। सुई अधिकतम जो जा सकती है वो 270 वैगन जा सकती है, दोनों 270 वैगन मतलब 140 PSI सुई अधिकतम जा सकती है या घूम सकती है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार कैलिब्रेशन केवल आधे गेज पर ही किया जाएगा।
यदि गाड़ी 60 वेगनों की है, यानी हम कह सकते हैं कि सुई अधिकतम 240 वेगन यानी कि 140 PSI तक घूम सकती है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार कैलिब्रेशन केवल आधे गेज पर किया गया है। यदि गाड़ी 60 वेगनों की है, कितने की वेगनों की है, 60 वेगन, 60 डिब्बे गाड़ी में लगी हैं, तो उस गाड़ी में अधिकतम मान्य लीकेज को मेंटेन रखने के लिए जो हवा का प्रवाह होगा उस समय इस एयर फ्लो इंडिकेटर की सुई के स्थान को 60 वेगनों ऐसा कैलिब्रेट किया जाएगा। सुई का जो स्थान है यहाँ पर 60 वेगनों के जैसा या 60 वेगन ऐसा कैलिब्रेट किया जाएगा, अर्थात जितने वेगनों की गाड़ी है एयर फ्लो इंडिकेटर की सफ़ेद सुई उससे कम या उतने वेगनों पर स्थित होना चाहिए। यदि सफ़ेद सुई वेगनों की संख्या के बराबर की संख्या पर स्थिर होती है तो लोड में लीकेजेज मान्य मात्रा में है, और वेगनों की संख्या से कम संख्या पर अगर सुई स्थिर होती है तो लोड में लीकेजेज मान्य मात्रा से कम है। वेगनों की संख्या से ज़्यादा संख्या पर स्थिर होती है तो लोड में लीकेजेज मान्य मात्रा से ज़्यादा है। सफ़ेद सुई एप्लीकेशन और रिलीजिंग के समय ऊपर नीचे होती रहती है। वह अंत में BP पूरी तरीके से रिचार्ज होने पर एवं प्रवाह पूर्व स्थिति में आने पर वह अपनी जगह पर स्थिर होती है। चालक को उसकी स्थिति जगह पर चालक को उसकी स्थिर जगह पर लाल सुई को सेट करना है। अब चालक को लाल हुई सफ़ेद सुई की स्थिर स्थिति बताएगा, यानी चालक को क्या है, लाल सुई है, वो सफ़ेद सुई की स्थिर स्थिति को बताएगा। यानी लाल सुई रेफरेंस नेडल का कार्य करती है जो इस बात का द्योतक कहे कि गाड़ी चार्ज लेते समय लीकेजेज कितना था। अब चार्जिंग के समय AFI का बढ़ता किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। जब हम गाड़ी को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के समय AFI का बढ़ता, चार्जिंग के समय, तो चार्जिंग के समय जो AFI का बर्ताव है, एयर फ्लो इंडिकेटर, AFI का बर्ताव किस तरीके से होता है, तो लोड को पहली बार चार्ज करते समय या एप्लीकेशन के बाद, जब हम लोड को पहली बार चार्ज करते हैं तो लोड को पहली बार चार्ज करते समय या एप्लीकेशन के बाद दोबारा रिचार्ज करते समय MR से BP में हवा का प्रवाह तेजी से जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि लोड को पहली बार चार्ज करते हैं तो जब पहली बार हम चार्ज करते हैं तो उस समय या एप्लीकेशन के बाद जब दोबारा हम रिचार्ज करते हैं वो लोड को, तो MR से BP में हवा का प्रवाह है, MR से BP में हवा का प्रवाह तेजी से जाता है। जैसे 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 BP चार्ज होने लगता है हवा का प्रवाह है कम होने लगता है और वैसे वैसे सब सफ़ेद सुई वापस आने लगती है। प्रत्यक्ष में लोड में लीकेजेज रहते ही हैं। जब हवा लीक होती रहेगी तो सिस्टम उसे चार्ज भी करते रहेगा। लीकेजेज को पूरा करने के लिए जो हवा प्रवाहित होगी उसी प्रवाह के अनुसार AFI की सफ़ेद सुई किसी एक स्थान पर स्थिर होगी। ध्यान रहे केवल BP प्रेशर का दर्शाना लोड को पूरी तरीके से रिलीज होना नहीं दर्शाता, बल्कि AFI की सफ़ेद सुई पूर्व स्थान पर आना लोड रिलीज होने का संकेत है। चालक को हमेशा AFI की सफ़ेद सुई एवं पूर्व स्थान पर आने के लिए 30-40 सेकंड बाद ही ट्रैक्शन नॉच लेना चाहिए। हमें यहाँ पर कुछ बातें ध्यान भी देनी चाहिए, जैसे जब A9 से BP ड्रॉप किया जाता है तो सफ़ेद सुई अपने पूर्व स्थान से जीरो पर आती है, अर्थात अर्थ लीकेजेज का काम होना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि लीकेजेज का काम होना नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि A9 से जब BP ड्रॉप किया जाता है तो सफ़ेद सुई अपने पूर्व स्थान से जीरो पर आती है, इसका अर्थ लीकेजेज का कम होना नहीं है। यदि A9 को अप्लाई में ही रखा जाए तो थोड़ी देर के बाद सुई जीरो से अपने आप पूर्व स्थान पर आने लगेगी। जब A9 को अप्लाई के बाद रिलीज में रखा जाता है तो BP में हवा का प्रवाह बढ़ता है और वह सुई एकदम से 100 वेगनों के आगे चली जाती है। इसका अर्थ है कि लीकेजेज का बढ़ना नहीं है। जैसे ही सुई 100 वेगनों से आगे जाती है इसका अर्थ लीकेजेज का बढ़ना नहीं है। जैसे जैसे BP चार्ज होगा सुई अपने पूर्व स्थान पर वापस आने लगेगी। सुई को अपने पूर्व स्थान यानी लाल सुई पर वापस आना संकेत देता है कि लोड रिलीज हो गया है। यदि
एप्लीकेशन और रिलीज के बाद सफ़ेद सुई अपने पूर्व स्थान पर वापस आकर स्थिर होने की बजाय किसी अन्य स्थान पर स्थिर हो तो कम स्थान पर स्थिर होती है तो क्या करना है, यदि ज़्यादा स्थान पर स्थिर होती है तो क्या करना है। सबसे पहले देखें हम कि कम स्थान पर स्थिर होती है सुई तो क्या करना है। लीकेजेज कम होते हुए हैं ऐसा संभव नहीं है, यानी हम कह सकते हैं अगर कम स्थान पर स्थिर होती है तो लीकेजेज कम होते हुए हैं ऐसा संभव नहीं है, इसलिए गाड़ी में फ्लोटिंग अवरोध हो सकता है। गाड़ी या इंजन के एंगल कॉक को छेड़ा गया है या अपने आप घूम गया है। इंजन साइड का यह अवस्था काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए इसे गंभीरता से लेते हैं, लोड को चेक करना चाहिए, कंटिन्यूटी टेस्ट लेना चाहिए। और यदि ज़्यादा स्थान पर स्थिर होती है तो क्या करना है, गाड़ी में लीकेजेज बढ़ गए हैं, संभव है चेन पुलिंग हुई है, गार्ड द्वारा ब्रेक एप्लीकेशन हुआ है, इंजन लोड का लोड साइड का एंगल कॉक छेड़ा गया है या घूम गया है, इसे गंभीरता से लेते हुए लोड को चेक कर कंटिन्यूटी लें। गाड़ी में खड़े खड़े यदि सुई अपने पूर्व स्थान से नीचे आती है तो उसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह एंगल कॉक को छेड़ने का संकेत है। और यदि सुई ऊपर बढ़ती है तो उपरोक्त में बताए गए कारण हो सकते हैं, लोड को चेक करें एवं आवश्यकता हो तो कंटिन्यूटी लें। यदि रास्ते में A9 की रिलीज अवस्था में सुई आगे सरकती है तो क्या करेंगे, मान लीजिए क्या होता है, रास्ते की बात करते हैं हम, यदि रास्ते में A9 की रिलीज अवस्था में सुई आगे सरकती है, A9 की रिलीज अवस्था में सुई आगे सरकती है तो क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यदि रास्ते में A9 की रिलीज अवस्था में जो सफ़ेद सुई है वो आगे सरकती है तो चैन पुलिंग हुई है, या फिर BP पाइप खुल गया है, या फिर लोड पार्ट हुआ है, या फिर गार्ड के द्वारा ब्रेकिंग की गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि एंगल कॉक या किसी अन्य कारण से लीकेजेज बढ़ गए हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे टाइम पर ट्रैक्शन बंद करना है, फ्लैशर लाइट जलाना है, गाड़ी को खड़ी करके कारणों की जांच करना है और उसी के अनुसार कार्य करना है। साधारणतः हम देखें कोचिंग ट्रेन में लीकेजेज नहीं के बराबर रहने से AFI 0 दर्शाता है। यदि AFI की सुई सूट अप होती है तो इसका मतलब गाड़ी में AC भी हुई है और गाड़ी में वाकई में लीकेजेज हैं। लीकेजेज या ACP के लिए लोड चेक करें, यदि ACP नहीं है तो लोड में लीकेजेज हैं। नियंत्रण कार्यालय से आवश्यक आदेश प्राप्त करें, अधिक लीकेजेज के सभी मामलों में चालक गार्ड को अब इसकी सूचना दें ताकि गार्ड आवश्यक कार्य हेतु कदम उठा सके। AFI के कार्य या लोको में BP लीकेज का संदेह हो, AFI के कार्य या फिर लोको में अगर BP लीकेज का संदेह हो तो इंजन का BP एंगल कॉक बंद करें और निडल है वो जीरो पर आना चाहिए। इंजन का चार्ज लेते समय AFI का कार्य करना सुनिश्चित कर लें। अब हम देखते हैं A9 हैंडल की पोजीशन। A9 हैंडल की पोजीशन में हम देखें, जैसे कि सबसे पहले जो पोजीशन होती है वो होती है रिलीज पोजीशन। रिलीज पोजीशन में जो BP प्रेशर होता है वो होता है 5.0 kg/cm². दूसरी होती है मिनिमम रिडक्शन में जो BP प्रेशर होता है वो होता है 0.5 kg/cm², यानी BP प्रेशर जो ड्रॉप होता है, ये ड्रॉप BP प्रेशर बताया गया है। फिर तीसरी कंडीशन होती है फुल सर्विस के अंदर जो BP प्रेशर ड्रॉप होता है वो होता है 1.5 kg/cm². चौथी पोजीशन होती है ओवर रिडक्शन में जो प्रेशर रिड्यूज होता है BP प्रेशर का, वो होता है 2.5 kg/cm². और पांचवी होती है इमरजेंसी में जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो होता है 5 kg/cm². तो सबसे पहले हम देखते हैं A9 की रिलीज पोजीशन। फर्स्ट हम देखते हैं रिलीज पोजीशन पर क्या होता है। जब A9 हैंडल रिलीज पोजीशन पर रहता है, किस पर रहता है, रिलीज पोजीशन पर,
तो हम देख रहे हैं यहाँ पर रिलीज पोजीशन, जब ए नाइन हैंडल है रिलीज पोजीशन पर रहता है तो दोनों कटआउट कॉक खुले रहते हैं, ये दोनों कटआउट कॉक है यहाँ पर खुले रहते हैं। तब एम आर फोर की हवा है ए नाइन वॉल्व के द्वारा, एम आर फोर की जो हवा है वो ए नाइन वॉल्व के द्वारा 5.0 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में परिवर्तित होकर के ये एम यू टू वी वल्व के पोर्ट नंबर 3 और 13 से होती हुई एडिशनल सी टू रिले वल्व के पोर्ट नंबर 2 को जाती है। कितनी प्रेशर जाता है, 5 kg/cm² प्रेशर एडिशनल सी टू रिले वल्व के पोर्ट नंबर 2 पर आ जाता है, जिससे क्या होता है एडिशनल सी टू रिले वल्व ऑपरेट होता है और एडिशनल सी टू रिले वल्व के पोर्ट नंबर 1 पर क्या होता है एम आर थ्री का प्रेशर रुका हुआ है। इस पोर्ट नंबर 1 पर इधर से जो एम आर थ्री का प्रेशर आया हुआ था वो रोका हुआ है। अब एडिशनल सी टू रिले वल्व के पोर्ट नंबर 2 पर ये 5 kg/cm² प्रेशर आने से पोर्ट नंबर 1 और 3 यहाँ पर जुड़ जाते हैं और एल एन टी कॉक खुला रहने पर, ये जब एल एन टी कॉक ओपन होगा तो एल एन टी कॉक खुला रहने पर क्या होता है, एल एन टी कॉक खुला रहने पर एम आर थ्री के द्वारा 5 kg/cm² से बी पी हमारा चार्ज हो जाता है, तो ये बीपी हमारा चार्ज हो जाएगा। और यह 5 kg/cm² का बीपी प्रेशर कहाँ कहाँ पर जाता है, पहली तो ये बीपी प्रेशर कैब 9 यानी दोनों कैब के ए नाइन हैंडल में जा रहा है, पोर्ट नंबर 1 पर दोनों कैब के ए नाइन वॉल्व के पोर्ट नंबर 1 पर जा रहा है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। दूसरा हम देखें दोनों कैब के बीपी प्रेशर गेज को जाता है, दोनों कैब के बीपी प्रेशर गेज को जा रहा है यहाँ पर, और दोनों कैब के फ्लैप बल्ब को जा रहा है यानी आरएस बल्ब को जा रहा है, दोनों कैब के आरएस बल्ब को जा रहा है। तीसरा हम देखें यहाँ पर किसको जा रहा है, ये जा रहा है इधर हम देखें आइसोलेटिंग कॉक से होते हुए C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब को जा रहा है, RGEV2 को जा रहा है, P2 प्रेशर स्विच को जा रहा है, ये P2 प्रेशर स्विच है इसको जा रहा है, IP मैग्रेट E3W बल्ब को जा रहा है, IP मैग्रेट E3W बल्ब को भी ये जा रहा है। तो यहाँ से प्रेशर है किसको भी जा रहा है, IP मैग्रेट E3W बल्ब को भी जा रहा है। अब हम देखते हैं A9 की रिलीज पोजीशन, कौन सी पोजीशन देखेंगे आप, ये रिलीज पोजीशन देखी थी, अब एप्लीकेशन पोजीशन देखेंगे हम, A9 की एप्लीकेशन पोजीशन, एप्लीकेशन पोजीशन, एप्लीकेशन पोजीशन में क्या होता है, जब A9 हैंडल को एप्लीकेशन पोजीशन पर रखते हैं तो पोजीशन के अनुसार एडिशनल C2 रिले बल्ब पोर्ट नंबर 2 की हवा है A9 के एग्जिस्ट पोर्ट से, एप्लीकेशन पोजीशन रखते हैं तो A9 का जो एग्जिस्ट पोर्ट है यहाँ पर 5 का A1 से कनेक्शन है यहाँ पर जुड़ जाएगा एग्जिस्ट पोर्ट से, तो एडिशनल सी टू रिले बल्ब की हवा है एग्जिस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है, SA9 के एग्जिस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगी, जिससे हमारा एडिशनल सी टू रिले बल्ब है ये अनबैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनबैलेंस हो जाएगा, और एडिशनल सी टू रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 के ऊपर जितनी हवा कम हुई है यहाँ पर जितनी हवा कम होगी उसी अनुपात में एडिशनल सी टू रिले बल्ब के एग्जिस्ट पोर्ट से उसी अनुपात में एडिशनल सी टू रिले बल्ब के एग्जिस्ट पोर्ट से यहाँ से बीपी प्रेशर वातावरण में निकल जाएगा, जितनी हवा यहाँ कम होगी उतनी ही हवा यहाँ वातावरण में निकल जाएगी, तो बीपी प्रेशर यहाँ पर कम होगा, और जब बीपी प्रेशर कम होता है तो ट्रेन और लोको ब्रेक भी यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि बीपी प्रेशर का डाउन होना ही लोको में ब्रेक लगना है। अब बात करते हैं A9 के इमरजेंसी पोजिशन की, किसकी बात करते हैं इमरजेंसी पोजीशन में क्या होता है, जब A9 हैंडल को इमरजेंसी पोजीशन पर रखते हैं तब A9 बल्ब के एग्जिस्ट पोर्ट से A9 बल्ब का जो एग्जिस्ट पोर्ट है इस एग्जिस्ट पोर्ट से बीपी प्रेशर यहाँ पर जो बीपी प्रेशर है वो वातावरण में निकल जाता है जिससे जल्दी ही ब्रेक लग जाते हैं। अब बात करते हैं बीपी प्रेशर चार्ज होने की शर्तें क्या क्या है वो हम देखते हैं। बीपी प्रेशर चार्ज होने की शर्त है,
प्रेशर चार्ज होने की शर्त, कौन कौन सी शर्तें हैं जिससे बीबी प्रेशर चार्ज होना चाहिए। तो सबसे पहले शर्तें हैं कि दोनों कैब में A9 बल्ब लगे हुए हैं और इनके अलग अलग एडजस्टिंग कॉक यहाँ पर लगे हुए हैं। A9 बल्ब के द्वारा 5 kg/cm² बीबी प्रेशर बनाने के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं, जैसे कि A9 बल्ब हैंडल रिलीज पोजिशन में रहना चाहिए, दोनों पोजिशन में कहाँ पर रहना चाहिए, रिलीज पोजिशन पर रहना चाहिए। पहली बात होगी रिलीज पोजिशन पर रहना चाहिए हैंडल। दूसरी बात देखें, वर्किंग कैब में A9 हैंडल के कटआउट कॉक है वो ओपन रहने चाहिए और पिछली कैब में बंद रहने चाहिए। तीसरी हम देखें एडजस्टिंग नॉब के द्वारा बीपी है वो 5 kg/cm² पर सेट कर दिया जाए। चौथी बात है MR4 का कॉक है वो खुला होना चाहिए, MR4 का कॉक ये खुला होना चाहिए। पांचवी बात है MU2V बल्ब है ये कहाँ पर होना चाहिए, लीड पर होना चाहिए। छठवीं बात है LNT कॉक होना चाहिए। सातवीं बात है दोनों कैब में RS फ्लैप बल्ब बंद रहना चाहिए, RS फ्लैप बल्ब है ये बंद रहना चाहिए दोनों कैब में, RS फ्लैप बल्ब बंद रहने चाहिए। आठवीं बात है कि दोनों सिरों के बीपी एंगल कॉक कटआउट कॉक है बंद रहने चाहिए, दोनों सिरों के बीपी एंगल कटआउट कॉक है ये बंद रहने चाहिए दोनों सिरों के। नौवीं बात है बीपी एंगल कॉक हो गया यहाँ पर। नौवीं बात है सिस्टम में अत्यधिक लीकेज नहीं होना चाहिए, यानी लीकेज रिलेटेड बात है, लीकेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दसवीं बात है MR प्रेशर 8.0 से 9.5 kg/cm² होना चाहिए, MR का प्रेशर कितना होना चाहिए 8.0 to 9.5 kg/cm². अब बात करते हैं हम ब्रेक पाइप प्रेशर नहीं बनता है या कम बनता है। मान लीजिए ब्रेक पाइप प्रेशर नहीं बन रहा है या कम बन रहा है तो क्या करें, ब्रेक पाइप प्रेशर नहीं बन रहा है या फिर कम बन रहा है तो क्या करें। तो यहाँ पर हम देखें MR प्रेशर उपलब्ध न होना, ये कारण हो सकता है कि MR का प्रेशर ही नहीं है। पहला रीज़न क्या हो सकता है, MR का प्रेशर न होना, या MR4 के बाद का जो कटआउट कॉक है, MR4 के बाद का कटआउट कॉक ये ओपन तो नहीं है, ये चेक कर लें, का खुला होना चेक करें कि ये ओपन रहना चाहिए, ओपन होगा तभी प्रेशर बनेगा। MR4 के बाद का जो कॉक है वो खुला रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, तो ये हमें चेक करना है। दूसरा क्या कारण हो सकता है, दोनों कैब के A9 हैंडल का रिलीज पोजीशन में चेक करना कि रिलीज है कि नहीं है। तीसरा काम क्या करना है, कार्यरत कैब के A9 के दोनों कटआउट कॉक हैं वो ओपन होने चाहिए कार्यरत कैब में, और जो जहाँ पर कार्य नहीं करें दूसरे कैब में बंद होने चाहिए। तीसरा MU2 भी हमारा लीड पर होना चाहिए। चौथा है हमारा कि एडिशनल सी2 रिले बल्ब स्टैकअप होना, एडिशनल सी2 रिले बल्ब का स्टैकअप होना भी कारण हो सकता है, स्टैकअप होता है तो हमें टैप करना है इसको। फिर है LNT कॉक का खुला होना चेक करें, ये खुली हुई होनी चाहिए। फिर दोनों ओर के बीपी एंगल कॉक बंद होना चेक करें, ये दोनों बंद होने चाहिए बीपी एंगल कॉक। और RS का खुला होना बंद, अगर RS खुला हुआ है तो इसको बंद करना है हमें RS बल्ब को, सिस्टम में लीकेज है तो उसे हमें सही करना है या लीकेज को देखना है। और A9 बल्ब का स्टैकअप होना भी हो सकता है, A9 बल्ब खुद भी स्टैकअप हो सकता है, अगर ये स्टैकअप हो गया है तो टैप करें और A9 हैंडल को इमरजेंसी पोजीशन में ला करके पुनः रिलीज करें। और एक ये कारण हो सकता है कि A9 के एडजस्टिंग नॉब के द्वारा पुनः ब्रेक पाइप प्रेशर हमें एडजस्ट करना है, A9 का जो एडजस्टिंग नॉब है उसके द्वारा हमें पुनः दोबारा से ब्रेक पाइप प्रेशर एडजस्ट करना है। अब मान लीजिए ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है तो क्या करेंगे, ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है, ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे। जैसे कार्यरत कैब के A9, जैसे ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे,
कार्यरत कैब ए नाइन के दोनों कटआउट कॉक का खुला होना चेक करेंगे, दोनों कटआउट कॉक का खुले होने चाहिए कार्यरत कैब के, तो हम कैब चेक करेंगे कार्यरत। दूसरा, दूसरे कैब का बंद होना चाहिए, तो दूसरा कैब चेक करेंगे वो बंद होना चाहिए। तीसरा, हमें ए नाइन वॉल्व का स्टैकअप होना या ख़राब होना, तो आर एस के द्वारा हम गाड़ी कंट्रोल करेंगे अगर ए नाइन वॉल्व स्टैकअप हो रहा है या ख़राब हो रहा है, ए नाइन वॉल्व अगर स्टेपर हो रहा है ख़राब हो रहा है। चौथा कारण क्या हो सकता है, एडिशनल सी टू रिले वॉल्व, एडिशनल सी टू रिले वॉल्व का स्टेकअप होना या ख़राब होना, तो आर एस के द्वारा हम गाड़ी कंट्रोल करेंगे। और ये हो सकता है पांचवा कारण कि मल्टीपल लोकों में पिछले लोकों में जो एम यू टू बी और एल एन टी कॉक का उचित पोजिशन में होना चेक करें, एल एन टी और एम यू टू बी ये पिछले लोकों में चेक करेंगे जब मल्टीपल यूनिट में काम कर रहे हों। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रपोर्शनेट वर्क ब्रेकिंग, प्रपोर्शनेट ब्रेकिंग या कंजेक्शन वर्किंग जिसको बोलते हैं, प्रपोर्शनेट वर्किंग, प्रपोर्शनेट ब्रेकिंग है। तो प्रपोर्शनेट ब्रेकिंग क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कंजेक्शन वर्किंग, कंजेक्शन वर्किंग क्या होता है, प्रपोर्शनेट ब्रेकिंग और कंजेक्शन वर्किंग। इसमें हम बात करें जब हम ए नाइन के द्वारा ट्रेन ब्रेक लगाते हैं, जैसे ए नाइन के द्वारा हम लगाते हैं ट्रेन ब्रेक, गाड़ी की ब्रेक, और ट्रेन ब्रेक के साथ साथ अपने आप अगर ट्रेन के साथ में लोको के भी ब्रेक लग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रपोर्शनेट ब्रेकिंग या कंजेक्शन ब्रेकिंग। इसके लिए WEG5 लोकोमोटिव पर क्या दिया गया है, C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब दिया गया है। तो C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब की बात करें, यह कैब नंबर वन के पीछे, कैब नंबर वन के पीछे कॉरिडोर वन में सिस्टम में हम बात करें ब्रेक सिस्टम में बीपी प्रेशर में अंतर आने पर उसी अनुपात में यह बल्ब ऑपरेट होता है। इसे ब्रेक प्रेशर सिस्टम में जब बीपी प्रेशर में जिस अनुपात में अंतर आता है उसी अनुपात में यह बल्ब ऑपरेट होता है। इससे मेन रिजर्वायर की हवा, इससे C3W जो बल्ब है इससे क्या होता है, इससे मेन रिजर्वायर की हवा, इससे मेन रिजर्वायर की हवा, लिमिट बल्ब, लिमिटिंग बल्ब, मेन रिजर्वायर की हवा, लिमिटिंग बल्ब और ऑटो आइसोलेशन बल्ब, लिमिटिंग बल्ब हो गया, इधर ऑटो आइसोलेटिंग बल्ब हो गया, ऑटो आइसोलेटिंग बल्ब F1 सेलेक्टर बल्ब से होती हुई और इधर जाएगी F1 सेलेक्टर बल्ब, F1 सिलेक्टर वॉल्व से होती हुई C2 रिले वॉल्व को ऑपरेट करती है। F1 सिलेक्टर वॉल्व से होती हुई ये क्या करती है, C2 रिले वॉल्व को ऑपरेट करती है यह हवा, जिससे लोको ब्रेक लगते हैं। कंजक्शन वर्किंग के समय अधिकतम क्या होना चाहिए, 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जाता है, यानी लोको ब्रेक सिलेंडर में 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जाता है। इस वॉल्व में तीन हैंडल हैं, जो C3W वॉल्व है इसके अंदर तीन हैंडल है, एक तो है आइसोलेटिंग हैंडल, आइसोलेटिंग हैंडल, एक है PNG हैंडल, PNG हैंडल, और एक है यहाँ पर रिलीज हैंडल, रिलीज हैंडल। तो हम बात करते हैं A9 के द्वारा प्रोपोर्शनेट वर्किंग किस तरीके से लगती है, ए नाइन के द्वारा प्रपोर्शनेट ब्रेकिंग कैसे लगती है, प्रपोर्शनेट ब्रेकिंग किस तरीके से लगती है। जब ए नाइन हैंडल को ब्रेकिंग पोजीशन में लाते हैं, जैसे ही हम ए नाइन हैंडल को ब्रेकिंग पोजीशन में लाते हैं तो ब्रेकिंग पोजीशन के अनुसार बीपी प्रेशर कम होता है, इससे C3W डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व है हमारा ऑपरेट हो जाता है, और फलस्वरूप क्या होता है, MR4 की हवा है, इस MR4 की हवा C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से ब्रेकिंग पोजीशन के अनुपात में, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस अनुपात में नियंत्रित होकर के कहाँ जाती है, इस अनुपात में नियंत्रित होकर के ये इससे जाती है लिमिटिंग वाल्व में, और लिमिटिंग वाल्व में यह हवा है 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में नियंत्रित होकर के ये जाती है कहाँ पर, ऑटो आइसोलेटिंग बल्ब को।
तो जैसे ही ऑटो आइसोलेटिंग बल्ब को जाएगी, ऑटो आइसोलेटिंग बल्ब से ये जाएगी F1 सेलेक्टर बल्ब में, F1 सेलेक्टर बल्ब, फिर उसके द्वारा DCB के द्वारा F1 सेलेक्टर बल्ब, फिर जाएगी DCB, और DCB के द्वारा एडिशनल C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 को जाती है। तो DCB के द्वारा C2 रिले बल्ब को ऑपरेट करती है, फलस्वरूप ट्रेन ब्रेक के साथ लोको ब्रेक भी हमारे लग जाते हैं। A9 द्वारा लोको ब्रेक रिलीज करना, अब बात करते हैं हम रिलीज की, किस तरीके से रिलीज करते हैं। A9 वॉल्व द्वारा लोको ब्रेक रिलीज करना, लोको ब्रेक रिलीज करना, किस तरीके से रिलीज किया जाएगा। तो A9 हैंडल को रिलीज पोजीशन में रखने से, जैसे A9 हैंडल को हम रिलीज पोजीशन में रखेंगे, तब BP फिर से 5 kg/cm² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 kg/cm² हमारा BP हो जाएगा। और जब C3 डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के कंट्रोल चैम्बर में, ये C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के कंट्रोल चैम्बर में भी 5 kg/cm² प्रेशर हो जाता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब है, इसको कंट्रोल चैम्बर में जब 5 kg/cm² प्रेशर हो जाता है, तो इससे डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब है वो अपनी पहले की स्थिति में आ जाता है। और जब MR का रास्ता बंद हो जाता है, जब ये पहले की स्थिति में आ जाएगा, तो MR का रास्ता यहाँ पर बंद हो जाएगा, तो C3 डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का एग्जिस्ट पोर्ट ये क्या हो जाता है, वातावरण से जुड़ जाता है। और C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 का प्रेशर, C2 रिले बल्ब के पोर्ट नंबर 2 का प्रेशर है, ये C3 डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के जो एग्जिस्ट पोर्ट है इससे बाहर निकल जाता है, और फलस्वरूप CT रिले बल्ब है अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है और लोको ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। अब कंजक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक नहीं लगते हैं, तब क्या करें? मान लीजिए कंजक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक नहीं लग रहे हैं, तब क्या करेंगे? कंजक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक ना लगे, लोको ब्रेक नहीं लगते, नहीं लगते तो क्या करेंगे? जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का आइसोलेटिंग हैंडल हमें चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का जो आइसोलेटिंग हैंडल है वो सही है कि नहीं है। DV खराब हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग बल्ब का जो DV है वो भी खराब हो सकता है। BEF बल्ब एनर्जाइज अवस्था में अटक सकता है, ये जो BEF बल्ब है ये हमारा एनर्जाइज अवस्था में अटक सकता है, और हमारा लिमिटिंग बल्ब है ये भी डिस्टर्ब हो सकता है। कंजक्शन ब्रेकिंग में लोको ब्रेक नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? कंजक्शन ब्रेकिंग में लोको ब्रेक नहीं लगते हैं, और लगते की जगह मान ली चाहिए तो क्या करेंगे? चाहिए तो क्या करेंगे? यदि कुछ समय के लिए कंजक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? PVEF प्रेस करेंगे, PVEF। तो PVEF को प्रेस करेंगे, और जब तक आवश्यकता न हो, यदि कंजक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक स्थायी रूप से नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब को, इसको ही हम आइसोलेट करते हैं, अगर कंजक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक स्थायी रूप से हमें नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि लोको पर टेस्टिंग करते हैं, न्यूमेटिक टेस्टिंग। तो न्यूमेटिक टेस्टिंग जब करते हैं तो सबसे पहले करेंगे हम BP रिसाव टेस्टिंग। BP रिसाव टेस्टिंग कब? अकेले इंजन पर, सिंगल इंजन पर। किस तरीके से BP रिसाव टेस्टिंग की जाती है? सबसे पहले हमें क्या करना है, गेज में 5 kg/cm² प्रेशर होना चाहिए। दूसरे में क्या करना है, हमें A9 को मिनिमम रिडक्शन में लाना है, A9 को मिनिमम रिडक्शन में ला करके BP प्रेशर को 0.5 से 0.6 kg/cm² तक गिराएं। तीसरा हमें क्या काम करना है, LNT कॉक बंद करनी है, ये वाली कॉक है बंद करनी है। चौथा काम हमें करना है, BP प्रेशर के रिसाव की हमें जांच करनी है। यदि 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में 0.7 kg/cm² से अधिक नहीं होना चाहिए, जो रिसाव है 5 मिनट में 0.7 kg/cm² से अधिक नहीं होना चाहिए, फिर LNT कॉक हम खोल देंगे और A9 को रिलीज कर देंगे। अब इसी सिंगल इंजन की जगह मान लीजिए यहाँ पर हो गाड़ी के साथ, गाड़ी के साथ में अगर BP प्रेशर चेक करना है तो क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है,
लॉको के बीपी गेज में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर और ब्रेक वाल्व में, ब्रेक वाल्व में कितना होना चाहिए, 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर उपलब्धता सुनिश्चित करें। A9 के द्वारा बीपी प्रेशर अब गिराएंगे हम 1.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक गिराएंगे। गेज में 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर होना सुनिश्चित करेंगे। LNP कॉक है हम बंद कर देंगे और बीपी प्रेशर गिरने की जांच करेंगे। 5 मिनट में ये बीपी प्रेशर है 1.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर LNT को खोल देंगे और पुनः पूर्व निर्धारित मात्रा में बीपी प्रेशर आना सुनिश्चित करेंगे। अब बात करते हैं लॉको ब्रेक पावर परीक्षण। लॉको ब्रेक पावर परीक्षण किस तरीके से किया जाएगा? लॉको ब्रेक पावर परीक्षण, जैसे SA9 को जब हम लगाते हैं, SA9 को लगाते हैं, देखें कि BC गेज है, ब्रेक सिलेंडर का गेज है, वो 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर दर्शा रहा है। फिर हमें क्या करना है, 2-3 नॉच लें और सभी ट्रैक्शन मोटर को हमें 600 एम्पियर करंट देना है। यदि लॉको आगे नहीं बढ़ता है तो लॉको ब्रेक ठीक हैं, और यदि लॉको आगे बढ़ता है तो समझे ब्रेक पावर खराब है। सभी मोटर को 800 एम्पियर की करंट दे करके इंजन को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर हमारे पास में मान लीजिए WAP4 है, तो WAP4 में लॉको है 800 एम्पियर पर मूव नहीं होगा, वहाँ पर हम मूव कराने के लिए 1000 एम्पियर करंट ट्रैक्शन मोटर को देनी होगी। फिर बात करते हैं कंप्रेसर कैपेबिलिटी की जांच, यानी ऑरिफिस जांच। कंप्रेसर कैपेबिलिटी की जांच, तो कंप्रेसर कैपेबिलिटी की जांच की बात करें हम, कि इस परीक्षण के लिए मास्टर गेज लगा है। कंप्रेसर कैपेबिलिटी की जांच के लिए हमने क्या लगाया है, मास्टर गेज लगाया है, जिसमें 7.5 mm का छेद वाला डमी पाम का उपयोग किया गया है। क्या किया गया है, डमी पाम का उपयोग किया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले MR का प्रेशर है 8.0 से 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाते हैं। दूसरा काम क्या करेंगे, गेज में जो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर होना चाहिए, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बीपी प्रेशर होना चाहिए गेज में, पिछले कक्ष के ब्रेक पाइप के पॉम के साथ में 7.5 mm के छेद वाले डमी पॉम को जोड़ेंगे, BPSW प्रेस करेंगे। फिर क्या करेंगे, BPSW प्रेस करेंगे यानी दबाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अगला काम BP जो एंगल है उसको हम खोल देंगे। BP एंगल को खोल दें, BP गेज पर BP के रिसाव की हमें जांच करनी है। यदि यह रिसाव 1 मिनट में 0.821 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए, जो रिसाव हो रहा है वो 0.8 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं FP लीक टेस्ट यानी फीड पाइप का लीक टेस्ट हम देखते हैं। तो फीड पाइप का प्रेशर है वो होना चाहिए 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फीड वॉल्व के आइसोलेटिंग कॉक है ये हमें बंद करना है, क्लोज करना है, और फीड प्रेशर के रिसाव की जाँच करें। यदि 5 मिनट में 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक रिसाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए।